आइए दोस्तों, अब मैं आपको मेरी जो पीपीटी है पूरी वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखता है कि हमारा आज का जो सेशन है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पोर्टा लाइट से कैसे शूट करना है वो हम लोग देखने वाले नंबर वन, और उसके मैं फोटोग्राफ्स भी आपको शेयर करता हूँ। उसके बाद नंबर टू 135 का सॉफ्ट बॉक्स, उसको कैसे यूज करना है, कैसे इमेजेस आएंगे, क्या डिस्टेंस होना चाहिए वो मैं दिखाता हूँ। कलर जेल का ब्यूटीफुली कैसे यूज करना है, बहुत अच्छे तरीके से क्रिएटिवली कलर जेल्स का कैसे यूज करना है, अम्ब्रेला को कैसे यूज करना है, ग्रिड को पोर्ट्रेट में कैसे यूज करना है, उसके बाद 85 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स कैसे यूज करना है, रिंग लाइट कैसे यूज करना है, वो सारे इमेजेस सारे फोटो के साथ मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो फोटो मैंने यहाँ पे दिखाया है उसमें आपको दिखेगा कि मैं पोर्टा लाइट एक जो दुल्हन है उसके पास में रखी है, करीबन करीबन 3.5-4 फीट का डिस्टेंस है। राइट साइड में आप देख रहे हो फोटोग्राफी कर रहा हूँ उसका हाइट कितना है, मतलब के मॉडल से जो दुल्हन है उससे करीबन करीबन 2 फीट का हाइट है। अब इस हाइट में जब आप फोटोग्राफी करते हो तो क्या रिजल्ट मिलता है, आपके कैमरे का सेटिंग क्या होना चाहिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आएगा हमारा पहला पोर्टा लाइट से क्लिक किए गए शैलो डेप्थ प्रोफाइल वाले शॉट्स। तो सबसे पहले ये जो पिक्चर्स मैंने क्लिक किए हैं सोनी के कैमरे से शूट किए हैं, और सिग्मा का 50 mm का लेंस मैंने यूज किया है, सिग्मा का 50 mm का लेंस, और 50 mm में 1.4 का यहाँ पर जो है अपर्चर यूज किया है। फंडामेंटली कम पर्पज क्या है, तो आई शेडो फोकस में आए, फेस हल्का सा फोकस में आए, और बाकी का जो नीचे गारमेंट है उनकी ज्वेलरी है वो सारी चीज जो है आउट फोकस हो जाए, ये हमारा फंडा है। सबसे पहला शॉट ऐसे ही थोड़े से साइड एंगल से शॉट बनाने, अगेन उसमें भी कुछ ऑर्नामेंट्स आप चाहो तो जैसे कि बैंगल्स को फोकस कर सकते हो, या फिर टीके को फोकस कर सकते हो, या नथनी को फोकस कर सकते हो। तो ये जब फोकस आप करते हो तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप शूट करोगे तो खास से खास ये ध्यान रखना है कि आप 50 mm 1.8 या 1.4 से शूट कर रहे हो, मतलब कि आपका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है बहुत कम होने वाला है, तो आपको जो फोकस करना है वो बहुत प्रॉपर जगह पे करना है। उससे आगे बढ़ते सिर्फ आई सिर्फ आंखों पर आपको फोकस करना है तब भी आप कर सकते हो। देखिए आप कितनी शानदार जो है यहाँ पर आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, कितनी शानदार आपको यहाँ पर जो है ये शार्पनेस मिलती है, और ये आप कर सकते हो 1.8 या 1.4 के लेंसेज से, कभी कभी 2.8 के भी, लेकिन आपको ये इतना ब्लर जो इतना अच्छा खूबसूरत बोके क्रिएट हो रहा है वो शायद आपको 2.8 के लेंस में इतना नहीं मिलेगा। ये जो आउट फोकस आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, ये जो आपको मिला है उसका कारण है 1.4 या 1.8 का जो है सेशन। तो आपको ये इस तरह से शॉट मिलेगा, टॉप एंगल से शॉट बनाना है। कुछ शॉट्स आप इस तरह से बना सकते हो, बैंगल्स फोकस में, बैंगल्स आउट फोकस, फेस आउट फोकस, उसके अलावा मेहंदी फोकस में आ जाए और हाथ फेस आउट फोकस, ऐसे भी कुछ शॉट्स जो आप बना सकते हो। ये सारे पिक्चर जो क्लिक हुए हैं सिंपल सी पोर्टा लाइट से शूट हुआ है, इसमें कोई एडिशनल लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल पोर्टा लाइट से ही शॉट सारे क्लिक किए गए हैं। और थोड़ा सा अगर फेस को हम लोग टिल्ट कर देते, मतलब सीधा फेस नहीं रखते और हल्का सा टिल्ट करके फिर चिल डाउन करते, तो डेप्थ ऑफ फील्ड का जो प्रकार है वो बदल जाता है। देखो इतने एरिया में डेप्थ ऑफ फील्ड है, बाकी सब जगह आउट फोकस है। ये अगर आपको करना है तो फेस का डायमेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका एफस्टॉप तो है ही कि आप कितना एफस्टॉप रखते हो, उसके साथ साथ आपका फेस का डायमेंशन, मतलब कि जो दुल्हन का फोटो आप क्लिक कर रहे हो उसका जो एंगल ऑफ व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस लड़के का फेस सीधा होता तो शायद आपको इतना खूबसूरत शॉट नहीं मिलता। ये जो शॉट है वो ज्यादातर यूज होता है हमारे ब्यूटी शॉट मेकअप शॉट्स के अंदर, जो ब्यूटी के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको ज्यादा पसंद आते हैं, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड ब्राइड्स उनको ये सारे शॉट्स काफी पसंद आते हैं, और ये इस तरह से क्लिक होते हैं। तो ये पहला शॉट हमारा था जो मैंने शूट किया है, वो इस तरह से शूट किया है, मतलब के एक पोर्टा लाइट चालू है, सिंपल से आपको दिख रहा है पोर्टा लाइट चालू है, और वहां पर जो है चेयर पे ब्राइड को बिठाया गया है और यहां से इसको शॉट किया गया है। ये मैंने अपना सोनी का 7M3 से जो है सारे शूट किए हैं। अब टोटली टॉप एंगल से शूट कैसे करना है, लाइट सिचुएशन देखो, पहले में क्या था, लाइट बहुत पास था ब्राइड के, और इसके कारण आप देखो तो आपके ब्राइड के राइट साइड में काफी सारा शेडो भी क्रिएट हो रहा है, काफी सारा शेडो क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये टॉप एंगल है, और टॉप एंगल में क्या है, लाइट मेरे बहुत पास है, मतलब के कैमरे के बहुत पास है, आप देख सकते हो कैमरे के ऊपर भी काफी लाइट आ रहा है, और इसमें कैसे शॉट क्रिएट करते हैं। तो इसके जो शॉट्स है कुछ इस तरह से है, टोटली टॉप एंगल से, जिसमें ज्यादातर जो है उसके पूरे गारमेंट दिखेंगे,
एंगल सिर्फ बदल जाएगा, कंपोजिशन बदल जाएगा, सेटिंग सबके वही के वही है, सेटिंग में कोई चेंज मैंने नहीं किया, वही 1.4 का एपर्चर है, लेकिन देखो नीचे का जो है फ्लोर ज्यादा दिख रहा है और इसमें हल्का सा डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ा है। कंपोजिशन थोड़ा सा बदल गया है लेकिन हल्का सा डेप्थ ऑफ फील्ड आया, इसमें ज्यादा आया, मतलब कि पहले एक आंख फोकस में आती थी, अब आप ध्यान से देखोगे वही सेटिंग पे थोड़ा सा फोकसिंग डिस्टेंस बढ़ा देने से हल्का सा डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़ गया। और देखो कितनी शानदार उसकी आंखों के अंदर जो ये नसें है छोटी छोटी, वो भी आप बहुत शार्पली देख सकते हो, ये जो पलके है उसके भी हेयर पर बहुत अच्छे से गिन सकते हो। तो ये इतना आपको जो है शार्पनेस मिलेगा अगर आपके पास 1.8 या 1.4 का लेंस है। वर्टिकल शॉट बनाया है टॉप एंगल से, वही एंगल इसमें ज्यादातर ध्यान देखो ये फोटो, इसमें मैंने फोकस किया है उसके टीके के ऊपर, मतलब कि जो उसके ऑर्नामेंट्स है, आप चाहो तो उसकी बाली पे शूट कर फोकस कर सकते हो, उसकी नथनी पे कर सकते हो, टीके पे कर सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वहां पर आप ये चीज कर सकते हो। इसमें खास तो ये दिखाना है कि आपको पूरा गारमेंट भी दिखे, पूरा बॉडी भी दिखे, पूरा गारमेंट दिखे, और फिर आपको ये शॉट इसमें क्लिक किया पहले और इसमें कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे ही है, बट फर्क इतना ही है कि आप इसमें ना डिटेल में जा सकते हो। यहाँ पर हल्का सा प्रॉप्स भी यूज हुआ है, जैसे कि आप देखो उसका फेस जो है लड़की का, अगर प्रॉपर फ्रंट एंगल हो जाता है कैमरे से तो बहुत अच्छे से पूरा फोकस में आ रहा है, लेकिन जैसे ये उसका गला शुरू होता है, वहां से नेक शुरू होता है, वहां सारा ये ब्लर हो गया। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बट ध्यान ये रखना है कि आपका एंगल ऑफ व्यू क्या है, मतलब कि आप देखो आंखों के ऊपर ये पूरे जो टीका है उसका सर पे लगाने वाला वो पूरा ब्लर है, और यहाँ से फेस से उसका नेक से लेके सब कुछ ब्लर है। तो ये एग्जैक्टली इतना एरिया जो है, मैंने अप्रोक्सीमेटली मुझे याद है इसमें 2.0 अप्रोक्सीमेटली मैंने एफस्टॉप रखा था, हल्का सा एफस्टॉप बढ़ा दिया है और उसके बाद ये शॉट क्लिक किया है। कुल मिला के कुछ इस तरह से ये जो है टॉप एंगल के शॉट्स सिर्फ पोर्टा लाइट, सिंगल पोर्टा लाइट से ही अम्ब्रेला के साथ जो है शूट किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं उससे भी, अब मैं कहाँ जैसे खड़ा हूँ आप देख सकते हो कि टॉप एंगल है, साइड में पोर्टा लाइट लगा है और नीचे जो है ब्राइड बैठी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर यूज हुआ है 135 का सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स देखिए डीप ऑक्टा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब के पैराबोलिक है, और उसके साथ आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 8600 लाइट यूज हुई है, मतलब के गोडॉक्स का 8600 यहाँ पर लाइट यूज हुआ है, और लाइट के साथ आप ब्राइड को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि जो ये दुल्हन है वो करीबन बहुत पास है, बहुत मतलब के मुश्किल से लाइट से ये 1 फीट के आसपास होगी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस बहुत कम है, इतने पास रख के फिर मैंने शॉट बनाया। और ये जो फोटोग्राफी मैंने की थी उसका एपस्टॉप, अगर वो पूछेगा कि सर इसके सेटिंग्स क्या थे, तो इसका जो एपस्टॉप है वो अप्रोक्सीमेटली होगा 11 के आसपास, और लाइट का पावर जो था मैंने 1/16 के आसपास कर दिया था, और 125 का स्पीड 100 का ISO, और यही जो बेसिक सेटिंग होता है, मतलब कि सिंगल सॉफ्ट बॉक्स से जो है इसके मैंने फोटोग्राफी किया है। इसके फोटो कैसे वो देखते हैं, तो 135 का सॉफ्ट बॉक्स यहां पर देख सकते हो कि ये 135 का सॉफ्ट बॉक्स है, ये फोटो अनएडिटेड विदाउट एडिटिंग है, और अप्रोक्सीमेटली जैसे मैंने बताया कि 14 के आसपास का एपस्टॉप यूज किया है, सिंगल लाइट का ये इमेज है, सिंगल सॉफ्ट बॉक्स का ये इमेज है, और आप देखिए कितनी शानदार इसमें डिटेलिंग अपने को मिल रही है, और आपको देखोगे इसमें आंख में तो आपको कैच लाइट पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर कैच लाइट है, मतलब कि ये सॉफ्ट बॉक्स जो है यहाँ पर 135 का यूज हुआ है ना, और बहुत शानदार तरीके से देखो हाईलाइट, मिड टोन, शेडो, इमेज कहीं पे ओवर नहीं हुआ है, इमेज कहीं पर भी ओवर नहीं हुआ, अंडर भी नहीं हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेकअप का जो टेक्सचर है वो भी आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। एपस्टॉप ज्यादा है तो सीधी सी बात है डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा मिलेगी, और आप देखो पूरे बॉडी के मतलब 1/3 एरिया पे इसको जो है कवर किया, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब जैसे बताया 1 फीट के आसपास इसका डिस्टेंस था, अगेन थोड़ा सा क्लोज शॉट है, और ये इस तरह से शॉट बनाया है। देखो यहाँ पर आपको हल्का सा यहाँ पर सॉफ्ट बॉक्स दिख रहा है, आप फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर है ना, तो हो सकता है कि आप जब शूट करो तो आपको यही ध्यान में रखना है कि आपके फ्रेम में सॉफ्ट बॉक्स ना है, उस तरह से आपको क्लिक करना है। फेस का डायमेंशन फर्क चेंज करने पर भी ये फर्क आता है, जैसे कि आप देखो इसकी डिटेलिंग बहुत शानदार है, और उसके जो ऑर्नामेंट्स है उसके जो शार्पनेस डिटेलिंग वगैरह बहुत ही लाजवाब है। रीजन एक है कि जो सॉफ्ट बॉक्स का जो प्लेसमेंट है वो बहुत खूबसूरत है,
सॉफ्ट बॉक्स का जो प्लेसमेंट है वो इतना पास है। ज्यादातर फोटोग्राफर क्या करता है, सॉफ्ट बॉक्स को जो है 3 फीट 4 फीट 5 फीट पे रखता है, उसके कारण उसको इतनी डिटेलिंग और इतनी शार्पनेस नहीं आती है। आपका क्वेश्चन होगा कि तो सर क्या मेरे कैमरे में भी ये हो सकता है? जी हाँ, आपके पास फॉर एग्जाम्पल के अगर आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्रॉप सेंसर कैमरे में भी इतना ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, चाहे आपके पास D90 हो, 80D हो, या फिर 7200 हो, 7500 हो, कोई भी कैमरा हो, सॉफ्ट बॉक्स का जो प्लेसमेंट मैंने बताया उतना अगर आप रखोगे तो इतना ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। ये बात हो गई 135 का सॉफ्ट बॉक्स। अब ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि सर 135 का सॉफ्ट बॉक्स तो काफी बड़ा आता है और वेडिंग में हर जगह ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपकी बात 100% सही है, आप चाहो तो 85 सेंटीमीटर का भी ले सकते हो, लेकिन 85 सेंटीमीटर और 135 में बहुत बड़ा फर्क है। 135 का जो है वो आपको फुल लेंथ का जो है आपको कवरेज देगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको ग्रुप शॉट जब क्लिक करने होंगे, डबल शॉट, ट्रिपल शॉट, तब इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो माइंड ब्लोइंग मिलेगा, जो आपको 85 सेंटीमीटर में थोड़ा सा कम मिलेगा, उसमें शेडो ज्यादा आएगा। मैं आपको 2-3 फोटो जो 85 सेंटीमीटर के दिखा रहा हूं ताकि आपको और पता चले कि ये रिजल्ट में कितना फर्क आता है। चलिए मैंने स्क्रीन आपकी शेयर कर दी, और ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो, हाँ ये है 85 सेंटीमीटर का इमेज। अब देखो ये मुझे, मैंने जो ब्राइड से करीबन ये जो लाइट है 3.5-4 फीट पे रखा था दूल्हा दुल्हन से, और फिर जो है मैंने क्लिक किया था, तो 85 सेंटीमीटर भी आपको सॉफ्टनेस तो बहुत खूबसूरत मिलेगी, शार्पनेस बहुत अच्छी मिलेगी, कोई उसमें कोई वो दो राय नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखो, एक कपल भी मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके का नहीं है, बट जो पिक्चर्स आपको जो मिलेंगे, और ये मैंने इंटेंशनली ब्लैक एंड व्हाइट लिया क्योंकि जो दूल्हा था वो बहुत ज्यादा डार्क स्किन थी, दुल्हन थी उसकी भी स्किन डार्क थी, और ऊपर से वो काफी हेल्दी भी थी, तो यहाँ पर ये विग्नेटिंग जो आपको दिख रहा है वो नेचुरल है, मतलब कि 85 सेंटीमीटर के सॉफ्ट से ही मैंने शॉट बनाया, और उसमें भी आप इतना अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन अगर 135 का सॉफ्ट बॉक्स है तो आपकी जो लाइट थ्रो होने का जो ब्यूटी है वो इतना ब्राइट हो जाएगा, मतलब कि इतने फुल बॉडी में इतना अच्छा मिलेगा, और सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना सॉफ्ट बॉक्स आपका बड़ा होगा उतनी आपकी लाइट सॉफ्ट होगी। ये पूरे वर्ल्ड का सीधा साधा नियम है, आपको भी मैं बता दूं, जितना आपका लाइट सोर्स बड़ा है उतनी लाइट आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, ये सिंपल सा रूल है। तो हो सके अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टनेस चाहिए तो आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज करना है। अब ऐसा हो सकता है कि आप जो है सारे वेडिंग में बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल बात है क्योंकि कई जगह पे हमारे पास स्पेस नहीं होती है, पर जहां पॉसिबल हो तो आप 135 सेंटीमीटर का जो सॉफ्ट बॉक्स आप यूज कीजिए। और बहुत सिंपल, सिंगल आप जो है अंदर लाइट लगा दीजिए और बहुत अमेजिंग रिजल्ट आप पा सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अच्छा लगा यस और नो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग थे स्लाइड नंबर 3 पे। सर ये तो आपने बता दिया कि 135 का सॉफ्ट बॉक्स आपने लगाया और फोटो क्लिक हो गए, बैकग्राउंड डार्क है, बहुत अच्छी बात है। और समझ लो कई लोगों को क्वेश्चन ये भी होगा कि सर अगर बैकग्राउंड आपने तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक लगा के रखा इसलिए अच्छा लग रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि जहां पर भी छोटे गांव होते हैं, जहां प्रैक्टिकल वे में देखने जाओ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है प्रॉपर वहां पे बैकग्राउंड होते ही नहीं है, बहुत कच्ची दीवारें होती है, या जो कम्युनिटी हॉल होते हैं या समाज की वाड़ी होती है उसमें, तो हम लोग ज्यादातर मैं रखता हूँ हमेशा मेरे बैग में ब्लैक बैकग्राउंड तो रहता ही है। इससे फायदा होता है कि कोई भी लोकेशन पे जाओ, कभी भी जाओ, अगर कुछ नहीं मिला ब्लैक बैकग्राउंड है, नंबर वन। नंबर टू, आपका एप स्टॉप ज्यादा है। अगर समझ लो आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है और समझ लो व्हाइट दीवार है, जैसे मेरे पीछे अभी येलो टाइम काइंड ऑफ दीवार है, आप क्या करो सब्जेक्ट को कम से कम बैकग्राउंड से हो सके तो 4-5 फीट दूरी पे ले लो और आपके लाइट को 1 फीट दूर रखो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सॉफ्ट बॉक्स को रखते हुए दिखाया था, आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपोजर ज्यादा है, बैकग्राउंड तक लाइट जाएगी नहीं और आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा। अब मुझे हेयर लाइट देनी है तो मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हम लोग, और हम लोग जो है इसको हेयर लाइट भी देते। सर अगर इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स मैं यूज करूंगा तो मैं हेयर लाइट कैसे दूंगा? ठीक है, अगर आपके पास 135 का सॉफ्ट बॉक्स है लेकिन और एक आपके पास सिर्फ नॉर्मल वाली फ्लैश है, जैसे कि 860 है या AD200 है, AD100 है, या फिर 685 है, कोई भी फ्लैश होगा तो भी आप बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो विथ आपकी हेयर लाइट। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो कि एक जो है बड़ा सॉफ्ट बॉक्स यूज हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 135 का सॉफ्ट बॉक्स यूज हो रहा है,
और यहाँ पर एक AD200 यूज किया है मैंने, लेकिन AD200 के ऊपर आप देखो ग्रिड यूज किया है मैंने, ग्रिड इन द सेंस आप लोग जानते हो जो हमारा इसके साथ आता है, ये मेरा जो ग्रिड है वो मैंने मैगमोड का लिया है, हालांकि इसके साथ आप डिजिटेक का जो ग्रिड आता है वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ग्रिड यूज किया है, दुल्हन वही है, 135 का सॉफ्ट बॉक्स है और मेरा ग्रिड है। अब मैं शॉट बनाता हूं तो कैसे शॉट बनते हैं वो देखते हैं हम लोग। चलिए ग्रिड विद सॉफ्ट बॉक्स, तो यहां पर मैंने कुछ आपको शॉट्स में शेयर करता हूं, वही लड़की है और अब देखिए बहुत ही ब्यूटीफुली सॉफ्ट बॉक्स, मतलब क्या इस बार मैंने लेफ्ट साइड से सॉफ्ट बॉक्स दिया है और पूरे बॉडी पे जो है प्रॉपर वे से लाइट जा रहा है और मुझे बैकग्राउंड काला ना हो जाए, बैकग्राउंड में मिक्स ना हो जाए, इसलिए देखो यहाँ पर मैंने ये ग्रिड से जो है हेयर लाइट दिया है। पावर मैंने काफी कम रखा होगा इसका, जो समझ लो यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर मेरा जो की लाइट है उसका फॉर एग्जांपल के मैंने लाइट का पावर 1/8 रखा था, मुझे जब तक याद है, तो मेरा AD200 का 1/32 या ऐसा ही कुछ था, मतलब कि मुझे सिर्फ ये हाईलाइट होना चाहिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट होना चाहिए और कुछ नहीं करना है, उतना ही मुझे यहाँ पर ये इमेज दिखना चाहिए। अगेन दूसरा शॉट, तीसरा शॉट, ये सारे शॉट मैंने ग्रिड लगा के शूट किए, रीजन एक ही है, आप देखो कितनी खूबसूरत तरीके से वो लाइट जो है थ्रो हो रहा है। अगर हल्का सा कपड़ा यहाँ पर आप देखिए ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपेरेंसी में से भी वो दिख रहा है और हमें ये जो लाइन जो क्रिएट हुई है। कई लोग ये जो हेयर लाइट होती है वो काफी हैवी दे देते, इतनी हैवी मत दो, सिर्फ ये बैकग्राउंड से डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। हेयर लाइट का मतलब ये होता है कि आप बैकग्राउंड से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, डिफरेंस क्रिएट करवा रहे हो और कुछ नहीं होता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड भी दिखेगा यहाँ से हल्का सा। तो ये आपका हो गया 135 का सॉफ्ट बॉक्स और हो गया ग्रिड से हेयर लाइट, और हेयर लाइट में आप इतना अच्छा जो है रिजल्ट ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ शॉट्स है जो मैंने वहीं पे क्लिक किए हैं, और अगर समझ लो ये जो शॉट है इसमें देखिए आप ग्रिड का जो यूज है वो मैंने यहाँ तक ही किया है, और अगर मैं ग्रिड को थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, मतलब डिस्टेंस में क्रिएट कर देता हूँ ज्यादा, तो वो थोड़ा सा बड़ा एरिया भी कवर करेगा। और देखो यहाँ पर इस वाले इमेज के कंपेयर में यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये देखिए थोड़ा सा ओवर, हल्का सा ओवर एक्सपोज, मतलब ब्राइट ज्यादा है, आप बोल सकते हो कि ब्राइट ज्यादा है तो वो हो सकता है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आप एक्सपोजर रख सकते हो। बट मैं तो जो है मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे तो मतलब आप समझ लो हल्की सी लाइन सिर्फ डिफरेंस क्रिएट हो इतना ही मुझे जो है हेयर लाइट पसंद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इससे, तो ये हो गया सॉफ्ट बॉक्स विथ ग्रिड। कुल मिला के सबसे पहले हमने यूज किया पोर्टालाइट, पोर्टालाइट से 5-6 फोटो देखे, टॉप एंगल से 5-6 देखे, सिंगल सॉफ्ट बॉक्स से 5-6 देखे, उसमें हम लोग ने ऐड किया ग्रिड, मतलब के इसके साथ हमने कुछ फोटोज देखे। आगे बढ़ते हैं, अब सिंगल लाइट है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट है, लाइट सोर्स वही है, ध्यान से दोस्तों अब ध्यान देना, लाइट सोर्स वही है, वही 135 का सॉफ्ट बॉक्स है, लेकिन मैं पिक्चर स्टाइल मेरी जो प्रोफाइल है उसको मैंने कर दिया है मोनोक्रोम, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, और मोनोक्रोम करने के बाद मुझे क्या दिखता है वो हम लोग देखेंगे। तो मोनोक्रोम से जो इमेज है वो कैसे दिखती है, यहाँ पर आपको लाइट, मिड टोन और सॉरी हाईलाइट, मिड टोन और शेडो तीनों को देखना है, देखते हैं इसमें क्या फर्क आता है। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ मेरी फिर से स्क्रीन, और सिंगल लाइट में हमें जो है ब्लैक एंड व्हाइट में कैसे इमेज जो कैप्चर की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ शॉट्स यहाँ पे डिफरेंस करके रखे, ये देखिए सिंगल लाइट मतलब ग्रेजुएट कलर में एक में ही आपको सब कुछ सेम, कुछ चेंज नहीं, सिर्फ मैंने जो लड़की है उसके हाथ में पिंक कलर का एक बहुत अच्छा फ्लावर यहाँ पर दे दिया है, और सिंगल लाइट का ये इमेज। तो आपको हमेशा वेडिंग के अंदर हो सके तो कम से कम 5-6 फोटो आपको ऐसे सिंगल लाइट में ब्लैक एंड व्हाइट में कैप्चर करने चाहिए, और खास करके जो एजुकेटेड क्लाइंट्स है उनको ऐसे जो ब्लैक एंड व्हाइट शॉट्स है वो काफी पसंद आते हैं। ये देखिए जरूरी नहीं कि हर बार आपकी फोटोग्राफ्स में जो आंखें खुली हो तो ही फोटो अच्छे लगते हैं, आप देखिए यहाँ पर आंखें बंद है तब भी ये फोटो बहुत शानदार दिख रहा है। अगेन इसका जो लाइट एंड शेडो का जो ब्यूटी है वो यहाँ पर दिखेगा, उसके हाथ पे देखिए यहाँ पर हल्का सा हाईलाइट ज्यादा है, सी तो देखो कितना सॉफ्ट जो सॉफ्ट बॉक्स है उसकी ब्यूटी देखो यहाँ पर कितनी सॉफ्ट है, लेट्स यहाँ पर देखो कितना खूबसूरत है, और हल्का सा यहाँ से थ्रो कम डिस्टेंस बढ़ जाता है, एक्सपोजर हल्का सा कम हो जाता है
और सॉफ्टनेस यहाँ पर भी बरकरार है, और यहाँ पर मिड टोन और यहाँ पर जो है शेडो पूरा है, और लाजवाब फोटोग्राफ्स। दोस्तों सच बोला कैसे फोटो, कमेंट में जरूर लिखिए। ये फोटो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो ये सारे पिक्चर्स आप देख सकते हो टोटल। और सच सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए, जब मुझे अगर समझ लो थोड़ा सा शेडो ज्यादा चाहिए आगे वाले फोटो में, देखो मॉडल का जो फेस है वो 100% लाइट के सामने है। अब मैंने क्या कर दिया, फेस को जो है मेरे सामने चेंज कर दिया, मतलब के फोटोग्राफर के सामने, कैमरे के सामने मैंने लड़की को बोला कि फेस को टर्न करो, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। और इसमें भी आपको जो है सारा डिटेल, अगेन जिसको लाइट एंड शेडो या कट लाइट जिसको बोलते हैं, या जो कोई लोग इसको टेक्निकल लैंग्वेज में रेम्ब्रेंड लाइटिंग बोलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत शानदार ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, हल्का सा फेस अगर ज्यादा होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। और आंखों में फिर से कैच लाइट, तो ये आप जो है आंखों के आईबॉल के साइज का यहाँ पर आपको कैच लाइट दिख रहा है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये फोटो जो है आपको इसमें कुछ एडिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ये मतलब ऑलरेडी ये रेडी मटेरियल है, आपको कुछ नहीं करना। बड़ा दरवाजा बंद कर दीजिए, बहु आवाज आवाज। तो ये सारा जो है बहुत ही शानदार, ये ब्राइड का फोटो आपको मिलेगा यहाँ पर। हार्ड शेडो चाहिए तो इस तरह से, ये जो फोटो है इसमें सॉफ्ट बॉक्स मतलब के साइड में एक रिफ्लेक्टर यूज हुआ है, हालांकि मैंने बोला नहीं है लेकिन वो नेक्स्ट इमेज में दिखेगा। यहाँ से देखो शेडो सारा क्रिएट गायब हो गया, और उसका कारण क्या है कि मैंने एक जो है साइड में रिफ्लेक्टर यूज किया है। अच्छा दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं इससे, और उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट के ऊपर, मतलब एक पोर्टा लाइट जो आप देख रहे हो सारा वैसे ब्लैक एंड व्हाइट शूट कर लिया। ओके इसमें से शायद वो चला गया है, कोई बात नहीं, तो जब भी वो आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि लाइट के साथ रिफ्लेक्शन कैसे यूज किया है। चलिए दोस्तों इसमें किसी को मेरे ख्याल से टाइम हमारा हो हुआ है 23 मिनट, ओके फाइन लेट्स गो आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा जो स्लाइड है, अच्छा इसके जो दो तीन क्वेश्चन ये थे कि आपको जब फोटोग्राफी करते हो ब्लैक एंड व्हाइट में तो आपको ये ध्यान रखना है अगर सब्जेक्ट का फेस इस साइड है तो पूरे फेस पे जो है प्रॉपर लाइट मिलेगी, लेकिन जैसे उसका फेस जो है कैमरे के सामने हो जाता है तो एक साइड लाइट आएगी दूसरी साइड नहीं आएगी, तो जो फेस का डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ब्राइड ने आपने ब्राइड को इस तरह से खड़ा किया, इस तरह से किया है, इस तरह से किया है, मतलब डिपेंड है कि आपका फेस का डायमेंशन कौन सा, उस हिसाब से आपका जो है फोटो क्लिक होगा। तो जब भी सॉफ्ट बॉक्स का यूज करो इतने पास से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो खास करके जो ब्राइड, जो आपने देखा होगा कई सारी ब्राइड ऐसी होती है जो बोलते ज्यादा भैया पोज मत करो, लेकिन उनको जैसे ही आप ये ब्लैक एंड व्हाइट में इमेजेस करके दोगे उनको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो कुछ इमेजेस शेयर करता हूँ, फिर हम लोग फिर से जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि और आगे हम लोग बात कर पाएंगे, और मैं ज्यादा जो है यहाँ पर जो मैं बात जो है क्वेश्चन आंसर नहीं करूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन आंसर में ही हमारा पूरा दिन चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाई की लाइटिंग। कई सारे फोटोग्राफर जो है वेडिंग में हाई की लाइटिंग पसंद करते हैं, कई सारे लोग जो है पसंद नहीं करते। आप ये फोटो में देख पा रहे हो कि एक जो लाइट है, मुझे इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा, यहाँ पर पीछे जो है 135 का सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है मैंने, मतलब कि जो दुल्हन खड़ी है उसके एग्जैक्टली पीछे 135 का सॉफ्ट बॉक्स, यहाँ पर है 85 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स, आप देख पा रहे हो मेरे ख्याल से, यस और नो? और यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा फ्लैश है, और फ्लैश है 860, मतलब कि 860 फ्लैश से ये मैंने शूट किया है, और मेरे सामने है हाई की बनाने के लिए मैंने बैकग्राउंड में यूज किया है 135 का सॉफ्ट बॉक्स। अब ये जो सेटअप आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि लड़की से अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 फीट पर जो है लाइट मैंने प्लेसमेंट किया है, और बैकग्राउंड जो है वो लड़की के मतलब के दुल्हन के एग्जैक्टली पीछे है, मुश्किल से उसके बीच में डिस्टेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 1/2 फीट के आसपास। इसके इमेजेस देखते हैं कि इमेजेस कैसे आते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो हाई की में सबसे पहले मैं एक शॉट आपको दिखाता हूं, अगर मैंने ऊपर से आगे वाली लाइट अगर यूज नहीं किया है, फ्रंट लाइट अगर मैंने यूज नहीं किया है, तो मुझे इमेज कुछ ऐसी मिलेगी, मतलब कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है पूरा 100% बढ़िया से ओवर एक्सपोज हो चुका है, मतलब कि एक्चुअल एक्सपोजर से 2 स्टॉप तक ऊपर जा चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने जो आपको फ्लैश बताई जो है 860, उसको मैंने ऑन किया और उसको मैंने फुल पावर से थ्रो किया, अप्रोक्सीमेटली 1/2 था, फुल पावर तो नहीं था, और वहां से मैंने जब शॉट बनाया तो ये कुछ इमेजेस ऐसी हो गई है ना।
तो आपके पास अगर एक सॉफ्ट बॉक्स हो और एक अच्छा सिर्फ फ्लैश लाइट हो, तब भी आप इतने अच्छे शॉट्स क्लिक कर सकते हो। और वो आप देख सकते हो, जो पीछे का लाइट था उसका भी थ्रो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है और अमेजिंग। मतलब ये भी एक प्रकार है, अगर समझ लो आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप सॉफ्ट बॉक्स को ही एज ए बैकग्राउंड बना के आप शूट कर सकते हो, और बैकग्राउंड जो है आप इस तरह से पूरा वाइट रख सकते हो। ऑफ कोर्स उसके बाद आपके पोजीज लुक, कैमरा लुक वगैरह जो कुछ भी आप प्लान करना चाहो कर सकते हो, है ना। चलिए, ये हो गया मेरा सिंगल लाइट का हाई की। अब समझ लो, ये तो कुछ फोटोज आपने देखे जिसमें साइड में शेडो क्रिएट हो रहा था, लेकिन अगर आपको शेडो नहीं चाहिए तो और एक रास्ता है, हाई की में दो लाइट यूज करना। लेकिन आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर गोडोक्स 90 जो सॉफ्ट बॉक्स है, मैं आपको बताऊँ ये सॉफ्ट बॉक्स तो एक्टिव है यहाँ वाला, लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर मैं ऑन करता हूँ, मतलब कि एक लाइट यहाँ से, एक लाइट यहाँ से और तीसरी लाइट यहाँ पर, मतलब कि अगर मैं तीन लाइट यूज करता हूँ तो फोटो कैसा आता है वो मैं आपको अब शेयर करता हूँ। और मतलब कि थ्री लाइटिंग हाई की में दो सॉफ्ट बॉक्स एक्टिव करके ये हमारी फाइनल इमेज। और दोस्तों ये सारे फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो कितने शानदार है, और सच बोलो इसमें एडिटिंग अभी किया ही नहीं है, जो फोटो मैंने क्लिक किया था वही है। यहाँ पर भी आप देखोगे आंख में देख के आपको पता चल जाएगा, सॉफ्ट बॉक्स P90 सॉफ्ट बॉक्स यूज हुआ है, गोडोक्स लाइट हुआ है गोडोक्स का, और AD400 लाइट यहाँ पर यूज हुई है। और बड़ा सॉफ्ट बॉक्स होने के कारण जो टेक्सचर है आप देख सकते हो, कपड़े के भी कितने शानदार टेक्सचर जो है हमें मिलते हैं। ओवरऑल गुड इमेज, थोड़ा सा लॉन्ग शॉट है यहाँ पर, ये दुपट्टे के कारण हल्का सा यहाँ के कमर में मतलब 0.5% जितना है अंडर एक्सपोज हुआ है, और यहाँ पर भी आप कपड़े का टेक्सचर वगैरह बहुत क्लियरली देख सकते हो। वाओ, इसको बोला जाता है वाओ इमेजेस। तो ये सारे इमेजेस जो है आप जो है कैप्चर कर सकते हो। चलिए अब फिर से आ जाते हैं हम लोग सिंगल पे, मतलब के हम कर रहे ये स्टॉप अभी, हाँ हुआ है मेरे ख्याल से, ओके आधा घंटा हो चुका है। तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको जो भी क्वेश्चन हो वो यहाँ पर पूछ सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 5 क्वेश्चन, नहीं तो बहुत लंबा हमारा क्वेश्चन आंसर चल सकता है। तो इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चन है वही मैं लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, किसी को भी फोटो। ये जो मैंने इमेजेस दिखाए जिसमें मैंने टॉप एंगल से शूट बन जो क्लिक किए थे, जो पोर्टा लाइट से कुछ शॉट्स मैंने क्लिक किए थे, 135 के सॉफ्ट बॉक्स से कुछ शॉट्स मैंने क्लिक किए थे, ग्रिड के साथ कुछ शॉट मैंने क्लिक किए हैं, तो वो इसके बारे में जिसको भी कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हो सर। चलिए, एक क्वेश्चन आया है संजय सर का कि 90 सेंटीमीटर सॉफ्ट बॉक्स कैसा रहेगा। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आप ले सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन है, सर मेरे पास ऑक्टा 120 है तो 135 लेना जरूरी है। नहीं सर, अगर आपके पास 120 है तो 135 का लेने का जरूरत नहीं, लेकिन आपने देखा होगा P120 काफी बड़ा है और काफी डीप है, और ये जो है वो शैलो है, तो इसके कारण क्या होता है, स्पेस कम रुकता है, लाइट को थ्रो ज्यादा करता है, तो इसलिए ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सिंगल फोटोग्राफर माटे लाइट, दिस इज अ सिंगल, ये सिंगल के लिए है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बैकग्राउंड अगर कलर लगा सकते हो सॉफ्ट बॉक्स में, हाँ सर कर सकते हो, आप बैकग्राउंड में भी अगर एक्स्ट्रा लाइट लगा के बैकग्राउंड को भी कलर फिल करवा सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कलरफुल बैकग्राउंड हो और वहां पर भी शूट करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो सारे फोटोग्राफ्स तो नेक्स्ट में दिखाई रहा हूँ, लेकिन ये तो पहले सिंपल, ये जो जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ बहुत सिंपल है, जो आप कैसे क्लिक करना है ये उसके ऊपर है ना, उसके बारे में। और जो लोग नए हैं, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो। चलिए, देर इज अ क्वेश्चन, सर कैन यू शो द यू यूज ग्रिड विथ द सॉफ्ट बॉक्स। हाँ, सिंपल सा ग्रिड था, फिर भी मैं आपको मैं वो फोटो ही दिखा देता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो इसको मैं फुल में कर देता हूँ, रुकिए एक सेकंड, इसको कर देता हूँ फुल में ताकि आपको प्रॉपर डिटेल में दिखा पाऊं मैं। ग्रिड 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 ग्रिड, ओके कहाँ गया ग्रिड वाला,
ये रहा, ये हमारा जो रेगुलर ग्रीड आता है वही है, 8200 के ऊपर लगा है, ये जो हम लोग लगाते हैं वही है, इसमें कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, डोंट वरी, है ना, और कुछ स्पेशल कुछ नहीं है। यस, ये कौन से कैमरे से शूट हुआ है ये क्वेश्चन, ये एक्चुअल में शूट हुआ है सोनी के कैमरे से, बट ये आप किसी भी कैमरे से शूट करोगे रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। आपके पास जो कैमरा है मेरी 500% की गारंटी है कि उस कैमरे में आपको ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, डोंट वरी, आप कर सकते हो। चलिए, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन काफी है, या और लेने हैं? ओके, चलिए दो चार क्वेश्चन और। सर मोनोक्रोम में इमेज शूट क्यों, फोटोशॉप में ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं? नहीं सर, मैं पसंद करता हूँ इन कैमरा मोनोक्रोम, और उसका जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है, तो उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते फोटोशॉप के साथ। पर्सनली मुझे ब्लैक एंड व्हाइट शूट पसंद है, और दूसरी एक सच बोलूं तो और एक कारण भी है, जैसे कि मैं डिजाइनिंग खुद नहीं करता हूं, मैं डिजाइनर के पास करवाता हूं मेरे जो, तो होता क्या है कि उसको मैं कब बोलूंगा कि कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट करना है, तो मेरा कंपलसरी कि हर वेडिंग में मुझे 3 से 4 सोलो शॉट ब्राइड के, 3 से 4 दुल्हन के, दूल्हे के, और 4-5 फोटो कपल के, ब्लैक एंड व्हाइट ही 10 फोटो तो लेने ही लेने हैं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही जाता है तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत ही नहीं आता है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस पॉइंट सेटिंग, सर ये सिंगल, ये आई ऑटो फोकस है तो ऑटोमेटिक आंखों को पकड़ लेता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, इसके बाद का कुछ क्वेश्चन है, विच लेंस यूज, यहाँ पर हुआ है 50mm 1.4 सिग्मा 8 सीरीज का लेंस, है ना। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन, सर आई विद मार्क 3, इट्स ओके फॉर किड्स? हाँ सर, कोई भी कैमरा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैंने फोटोग्राफ क्लिक किए है वो आपके पास जो भी कैमरा होगा उसमें आप क्लिक कर सकते हो, मतलब कि मैं बता रहा हूँ आपके पास अगर D1500 कैमरा, छोटा सा जो एंट्री लेवल कैमरा, उसमें भी ये ही रिजल्ट मिलेगा, फाइल साइज छोटा मिलेगा लेकिन क्वालिटी ऑफ इमेज आपको ऐसे ही मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर सनसेट के टाइम जो फोटो क्लिक करते सब वो बाद में आएगा सर, डोंट वरी। चलिए किसी को और कोई इसी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आया है, सर गोडॉक्स 860 में 135 को कैसे यूज रहेगा? सर कर सकते हो लेकिन वो इतना फैलेगा नहीं, तो आपको आगे बीच में और एक डिफ्यूजर लगाना पड़ेगा, डिफ्यूजर लगाने के बाद वो पूरे सॉफ्ट बॉक्स में फैलेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको जो पावर जो बड़ी लाइट देती है 8400-600 वैसा आपको पावर इसमें नहीं मिलेगा, तो हल्का सा आपको पावर कम पड़ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर डेमो फोटो साइट के इसमें सेटिंग में मेंशन कीजिए, लेट्स सी, मैं ये मेरा अभी पहली बार ये जो सॉफ्टवेयर में यूज कर रहा हूँ, तो लेट्स सी मैं कैसे इसमें और क्या क्या अच्छी चीजें कर सकता हूँ, मैं इसमें जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। ओके, ब्राइडल शूट में बॉडी में 70-200 यूज कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको फुल शॉट लेने के लिए फिर लेंस बदलना पड़ेगा, है ना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इमेजेस हम लोग फिर से देखते हैं, बहुत सारी चीजें सर देखने के लिए आपके पास, बहुत सारी, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं आपको करता हूं मेरा शेयर स्क्रीन। तो नेक्स्ट हमारी जो बात है वो है रिगार्डिंग, कहां गया हमारा पीपीटी, ये रहा। ओके, तो हाई की का जो आपने सेटअप देखा, पीछे एक बड़ा सा सॉफ्ट बॉक्स था, दो साइड दो लाइट यूज किया है, और ये सारा जो है हमने शूट किया है। रिंग लाइट, ये एक मैकअप की लाइट है, बहुत पॉपुलर है रिंग लाइट, और काफी सारे फोटोग्राफर जो है जब भी हम लोग शूट करने जाते हैं तो मैंने देखा है कि आजकल खास करके जब डेस्टिनेशन वेडिंग शूट करने जाते हो तो मेकअप आर्टिस्ट ये रिंग लाइट लेके आते हैं, और रिंग लाइट वैसे पावर में तो कम होती है, उसका जो इंटेंसिटी है बहुत कम होता है, और मेकअप के पर्पज से बना है, लेकिन उसके कारण कुछ चीजें बहुत खूबसूरत होती है, मतलब कि उसकी कैच लाइट और अमेजिंग होता है। मैं आपको उससे कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, बहुत शानदार, मतलब इसको मैं फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, और मुझे पर्सनली रिंग लाइट जो है बहुत पसंद है, मैं हो सकता है तो हर वेडिंग में एटलीस्ट मैं जो है 2 से 3 शॉट्स तो मेरे रिंग लाइट में मैं लेता ही हूँ। तो आप देखो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है उसमें आपको दिखेगा प्रॉपरली के कैमरे का प्लेसमेंट आप देखो कहाँ पर है, रिंग का प्लेसमेंट कहाँ पर है, और दुल्हन मतलब के उसका जो डिस्टेंस है लाइट से कितना है। देखो ध्यान से, ये लाइट है और यहाँ पर ये जो दुल्हन है, मतलब के मुश्किल से 7-8 इंच का डिस्टेंस है, और वहां से कैमरे का डिस्टेंस ये करीबन होगा मेरे ख्याल से 1.5-2 फीट के आसपास। ये जो फोटो मैंने क्लिक किया था निकोन के कैमरे से शूट किया था मैंने, तो चलिए मैं आपको इसके जो पिक्चर से वो दिखाता हूँ, और ये है रिंग लाइट के फोटोज, अमेजिंग फोटो, यहां पर आप जो है क्लिक कर सकते हो रिंग लाइट के माध्यम से, और ये सारे फोटो विदाउट एडिटिंग है। आप देखिए ये आपने जो फोटो वहां पे रिंग, यहां पर आपको दिखेगा, देखो ये रिंग दिख रहा है यहां पर,
लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर में, तो ये दुपट्टा रिंग के ऊपर से है और इस तरह से शॉट बन रहा है। ओके, मैंने जो बात बताई थी आपको कैचलाइट की, वो यहां पर है। सी, उसकी आंखों के अंदर ये जो चीजें दिखती है ना, ये रिंग लाइट के कारण दिखती है। मेरे ख्याल से आपको दिखेगा, मेरा जो कर्सर मूव हो रहा है उससे पता चल जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको ये कैचलाइट जो है बहुत खूबसूरत, वो ये रिंग लाइट के माध्यम से दिखती है और कहीं पर भी आपको शेडो नहीं मिलता है। अफकोर्स जो मैंने आपको मेकअप के शॉट्स बताए वो तो आप यहाँ पर शूट कर ही सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो फोटो मैंने क्लिक किया था, ये मैंने निकॉन का Z6 पुराना वाला जो कैमरा है उससे शूट किया है, और इसमें लेंस यूज हुआ है 85mm का निकॉन का ही जी, जो नया जी माउंट का लेंस है वो यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये सारे रिंग लाइट के पिक्चर्स है, ये देखिए। और ब्लॉक लेंस के कारण आप देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड भी काफी अच्छा, मतलब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड काफी अच्छा क्रिएट हुआ है। मतलब यहाँ पर ये पूरा बैक जो फोरग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है, और ब्राइट का जो फेस है वो शानदार तरीके से जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए लाइट के साथ मैंने यूज किया है, यहाँ पर ये लाइट फ्रेम में दिख रहा है आपको ये लड़की। और भी कुछ शूट है जो मैंने रिंग लाइट से ही किए थे कुछ, और दूसरी लड़की के उसका तरीका कुछ अलग था, मैंने वहां पर भी रिंग लाइट ही यूज किया है। तो ये देखिए, और ये लाइट जो मैंने टॉप एंगल से यहाँ से लाइट को थ्रो किया है, और सिर्फ इतने एरिया में ही लाइट यूज हुआ है। अब देखो बैकग्राउंड भी, ये फोटो मैंने एडिट नहीं किया है इससे पता चल जाएगा, और इसकी आंखों के अंदर जो कैच लाइट है उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिंग लाइट यूज हुआ है। तो ये देखो कितना शानदार ये जो है फोटो आपको मिलता है, सिंपल सा रिंग लाइट है ये। और कुछ अगर थोड़े से उसको बॉडी के ऊपर पूरा थ्रो करना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, अगेन उसकी आंखों के अंदर कैच लाइट। ये जो शॉट है मैंने क्लिक किया था फ्यूजी के X3 कैमरे से, मतलब कि क्रॉप सेंसर कैमरे से शॉट निकाला था। अगेन 1. इसका जो 56mm जैसा कोई लेंस आता है 1.2 का, तो ये वो लेंस वो फ्यूजी X3 से ये जो शूट मैंने यू शॉट जो है बनाया था। तो आप देखिए लाइट एंड शेडो भी अगर आपको क्रिएट करना है तो टॉप एंगल से लाइट दिया गया है, हाफ बॉडी पे लाइट जा रहा है, बाकी स्लोली आउट फोकस। और ये आप ध्यान से देखोगे पीछे दिखेगा आपको, ये चेयर है कहीं की, ये सलोन के अंदर हमने शूट किया था, ये स्टूडियो में भी नहीं है, ये मेकअप का जो है सलोन होता है वहां पर हमने शूट किया था। मतलब कि कुल मिला के आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली, बहुत सिंपल छोटे से सेटअप 3-4 फीट के स्पेस में भी आप बहुत अच्छे शूट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कमेंट्स को नीचे जाने देते ताकि कोई अगर आ गया होगा तो मैं बताऊँ। ओके, बात ये थी कि जो कैमरा मैंने यूज किया है यहाँ पर, यूज किया मैंने क्रॉप सेंसर कैमरा, मतलब कि फ्यूजी का X3 कैमरा। लास्ट आपने जो चार फोटो देखे रिंग लाइट वाले, फ्यूजी के X3 क्रॉप सेंसर बॉडी से शूट किया है, और उसमें लेंस यूज हुआ था जो 56mm का 1.2 का लेंस, वो इक्वल टू 85mm का लेंस हो जाता है, उस पर मैंने ये सारी फोटोग्राफी की है। तो कुल मिला के होता क्या है कि आपके पास कैमरा कोई भी हो लेकिन आपके पास लेंस प्रॉपर है और लाइट का डायरेक्शन प्रॉपर है, लाइट का प्लेसमेंट आपको पता है, तो आप बहुत अमेजिंग शॉट्स क्रिएट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं। ओके शेयर यस ये रहा। तो रिंग लाइट का कमाल आपने देखा कि रिंग लाइट में आप बहुत अमेजिंग शॉट्स बना सकते हो। अब क्रिएट कलरफुल बैकग्राउंड फोरग्राउंड, अब ये फोटो आप ध्यान से देखोगे तो आपको मजा आएगा कि इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लाइट यूज किया है, हमारा ये कौन सा लाइट है 860 फ्लैश लाइट यूज किया है। यहाँ पर आप देखिए ये 8200 है, मेरा कर्सर जहाँ मूव कर रहा है ध्यान से देखना, ये 8200 लाइट है। बीच में यहाँ पर ये फ्लावर को यूज किया है, मतलब के फोरग्राउंड में मैंने फ्लावर को रखा है। बैकग्राउंड आप देखिए यहाँ पर जो है जो डेकोरेटिव जो लाइट्स आती है दिवाली में हम लोग जो सजाते हैं, क्रिसमस में हम लोग जो सजाते वो सेटअप है। फिर से पूरी चीज को ध्यान से देखना, यहाँ पर 860 का एक फ्लैश है जो फेस पर जाएगा, एक फ्लैश जो है ये पिंक कलर के फ्लावर के ऊपर पिंक कलर की जिलेटिन के साथ ग्रिड के साथ यहाँ पर जाएगा, और बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है, और वहां पर मैंने जो दिवाली में हम लोग सजाते हैं वैसी जो लाइट्स है वो यहाँ पर मैंने सजाई है और उस पर मैंने ये फोटो क्लिक किए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो हो गया यूज फोरग्राउंड, ये उसका रिजल्ट है। शायद मुझे हल्का सा मेरा जो मैं देख रहा हूं मेरा यूट्यूब का मेरा यहाँ पर वहां पर थोड़ा सा मुझे ये कलर फील ज्यादा दिख रहा है, बट अब ध्यान से देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लैश जो मेरा यूज हुआ है
उसके कारण काफी अच्छी शार्पनेस, डिटेलिंग वगैरह सब कुछ मिला है, और फोरग्राउंड जो है वो काफी अच्छे से ब्लैक जो है ब्लर हुआ और बोके क्रिएट हुआ। देखो पहले वाले फोटो में नहीं था, क्योंकि कई बार ये जो लाइट्स है वो बंद चालू होती रहती है, तो कई बार हमें ये जो फील नहीं भी मिलता है। तो यहाँ पर आप देखो बहुत अच्छे से बोके भी क्रिएट हुआ है, और फोरग्राउंड में ये जो फ्लावर्स है वो आर्टिफिशियली मैंने बीच में ऐड किए और मैंने ये शॉट बनाया। तो अब देखो ये जो सेटअप है वो इस तरह से था, ध्यान से समझना, समझ में आ गया। लेफ्ट साइड जो है एक 860 का फ्लैश है, राइट साइड जो है AD200 का फ्लैश है, बहुत मिनिमम पावर पे। बैकग्राउंड में जो है, जो हमारी दिवाली में या फिर हम लोग जो इसमें क्रिसमस वगैरह में सजाते हैं वो लाइट है, और उस पर ये जो है सारे शॉट्स हमने क्लिक किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट बॉक्स विथ रिफ्लेक्शन, मतलब के यहाँ पर ये जो फोटो है वो ध्यान से देखना, आपको ऐसा लगेगा कि दो सॉफ्ट बॉक्स यहाँ पर यूज हुए हैं, लेकिन लाइट एक ही यूज हुई है यहाँ पर। सच बोलूं तो यहाँ पर सिर्फ एक लाइट यूज हुई है, दूसरी लाइट सिर्फ और सिर्फ यहाँ का रिफ्लेक्शन करने के लिए यूज हुई है। तो उसके फोटोग्राफ हम लोग देखते हैं, यहां पर आप देख सकते हो सॉफ्ट बॉक्स का रिफ्लेक्शन। ओके, पहले हम लोग ने ये फोटो देखा था सेट बॉक्स के साथ, तो उसमें आपने देखा था यहाँ पर काफी सारा शेडो था, मतलब कि ये एरिया पूरा ऑलमोस्ट जैसे बोल सकते हो ये डार्क हो गया था, ब्लैकआउट हो चुका था। बट यहाँ पर देखो कितनी शानदार सॉफ्टनेस आई है, और उसका कारण है यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक हमारा बड़ा सॉफ्ट बॉक्स, और यहाँ पर उसका सिर्फ रिफ्लेक्टर, मतलब कि रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये इमेज इतनी खूबसूरत आपको मिल रही है। तो ये शॉट्स इस तरह से क्लिक किए हैं, सिंपली सॉफ्ट बॉक्स को रख दिया है, उसमें से लाइट को थ्रो नहीं किया है ना। तो ये आप इस तरह से भी शॉट्स क्रिएट कर सकते हो, इसमें भी आप चाहो तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह यूज कर सकते हो। कुल मिला के दो सॉफ्ट बॉक्स, लेकिन एक जो है लेफ्ट साइड वाला एक्टिव, राइट साइड वाला सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर भी यूज कर सकते हो, और आप सिल्वर गोल्डन जो भी आप चाहो यूज कर सकते हो। कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग देखते हैं कर्टेन के, कर्टेन से शूट कैसे करना है, मतलब के कई बार कई सारे बैंक्वेट हॉल में इस तरह से हमें जो है बहुत बड़ा विंडो मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा विंडो है, बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, तो ये सारी चीज हमें कई बार मिल जाती है, तो इसका हमें हमेशा जरूर 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 यूज करना चाहिए। तो इसके कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो आपको कैसे शॉट बनाने हैं। ये देखिए विंडो अपना जो कर्टेन है उसको खोलकर ही सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं, और ये भी अगेन मैंने 85mm, ये मैंने यूज किया था यहाँ पर कैनन का कोई कैमरा यूज किया था, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से आरपी यूज किया था मैंने, कैनन का आरपी कैमरा है और उसका 24-105 का किट लेंस है। पर्दा खोलते हुए, गोल घूमते हुए जो भी आप चाहो शॉट बना सकते। यहाँ पर एडिशनल एक लाइट दिया है, एलईडी लाइट यहाँ पर थ्रो किया है, और यहाँ से जो है विंडो लाइट, ये देखिए फुल लेंथ में, मतलब आपको पूरी बॉडी पे बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर लाइट मिलेगी, और आप प्रॉपर शॉट भी क्रिएट कर सकते हो। आपको सेट ऐसे करना है कि ना ये बहुत ज्यादा ओवर हो जाए, ना ये बहुत ज्यादा अंडर हो जाए। अगर इस लड़की को मैं बहुत पास रखूंगा तो ये शायद थोड़ा सा आपको इफेक्ट मिल सकता है, लेकिन जो ग्लास है उससे मैंने इसको 3 फीट, 2-3 फीट पे रखा है, ताकि ये पूरे बॉडी पे प्रॉपरली लाइट थ्रो कर पाए, है ना। चलिए ऐसा ही मैंने एक वेडिंग में शूट किया है, तो वो वेडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ उसके कुछ इमेजेस। ये वेडिंग होटल के अंदर का जो कमरा होता है छोटा सा, उस कमरे में शूट किया, तो आप देख सकते हो जगह बहुत कम है, मैंने खड़े खड़े फोटो क्लिक किया है तो पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये लड़की काफी मोटी थी, काफी हेल्दी लड़की थी, और उसके मुझे फोटो क्लिक करने थे। और यहाँ पर आप देख सको, यहाँ पर राइट साइड में एक सोफा है, वहीं पर बैठा के फिर मैंने कुछ शॉट्स क्लिक किए थे। ये देखिए कट लाइट में, इसके बाद ये टॉप एंगल से, ये मैंने यूज किया था मेरे ख्याल से 50mm या 50mm का लेंस है, 1.4 का वो यूज किया है। विंडो लाइट, विंडो लाइट में 1.4 के आसपास का लेंस यूज किया है। और देखो विग्नेटिंग भी बहुत शानदार आया, ये जो विग्नेटिंग क्रिएट हुआ है ना ये ऑटोमेटिक हुआ है, मतलब लाइट वहां पे था ही नहीं, सिर्फ विंडो से वो लड़की के फेस के ऊपर लाइट आ रहा था और कहीं पर भी लाइट नहीं आ रहा था। अगेन जो ब्लैक एंड व्हाइट मैंने बताया, तो कुछ शॉर्ट्स में हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट क्लिक करता हूँ, उस तरीके से कुछ क्लिक मैंने किया।
मतलब कि अगर आपके पास नॉट नेसेसरी कि बहुत अच्छा कोई पर्दा है, बैकग्राउंड है, तो ही आप कुछ अच्छे शॉट क्रिएट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी। विंडो लाइट, अगर समझ लो कि आपके पास सॉफ्ट विंडो है, ये जो था वो कांच था, ओपन कांच था, जिसमें आपको काफी हार्श लाइट मिल रही थी, इसमें जो है आपको हार्श लाइट नहीं मिलेगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से इस तरह से दिखा रहा हूँ तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। विंडो लाइट में कैसे शूट करना है, तो विंडो लाइट के कुछ इमेजेस में आपसे यहाँ पर शेयर करता हूँ, और उसमें भी अगेन बहुत शानदार, बहुत इजी, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, कोई इसमें बड़ी कोई चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीजें है। बट विंडो लाइट की भी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक ब्यूटी है, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से सॉफ्ट लाइट मिल सकती है। सिंपल सी चीज है, काफी सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते, बस और कुछ नहीं है। ये देखिए जो खिड़की से जो लाइट आती है वही है, और यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको दिखेगा तो गैलरी का पैसेज हल्का सा, ये एक्चुअली में यहाँ पर किचन था, ये जो शूट आप देख रहे हो ना इसके पीछे एग्जैक्टली किचन था, लेकिन डजंट मैटर, मुझे अच्छा लाइट मिल रहा है तो मैंने कैप्चर किया है। और आप विंडो भी देख सकते हो, बहुत सिंपल सा विंडो है, इसमें कोई बड़ा वो है नहीं, बट फोटोग्राफ्स कैसे है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए और उसी में अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कि विंडो के विंडो लाइट में ब्लैक एंड व्हाइट में कैसी इमेज आती है। सॉरी ये मल्टीपल एक्सपोजर है, बट ये मल्टीपल एक्सपोजर हम लोग ने ट्राई किया था, किसी का वहां डिमांड था कि मल्टीपल एक्सपोजर देखना, तो इसके कारण हम लोग ने जो है मल्टीपल एक्सपोजर देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोके विथ फ्लैश लाइट, बोके निकालना तो सब काफी सारे लोगों को आता है कि बोके कैसे क्रिएट करना, लेकिन विथ फ्लैश कैसे करना है, तो कुछ शॉट्स में आपको बोके विथ फ्लैश दिखाता हूं, क्योंकि फ्लैश को यूज करके जो है बोके क्रिएट करना होता है आपको। ये देखिए ये मैंने मेरे ख्याल से निकोन का ही कैमरा यूज किया है, 85mm का लेंस यूज किया है, और पीछे का बैकग्राउंड जो है मैंने ब्लर कर दिया है, और जो हमारी दिवाली में सजाने वाली लाइट्स जो है उसी को यहाँ पर हमने यूज किया है। और आप देख सकते हो बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपर वे से यहाँ पर जो है ये बोके क्रिएट हुआ है। बेटा मैं पानी पी उड़े थोड़ुक, और ये 85mm का लेंस, तो उसकी जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस ऑफकोर्स वो देखते ही बनती है। निकॉन के कैमरे से शॉट निकाला, Z6 नया जो मिररलेस कैमरा है उससे ये सारे शॉट्स बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्टॉप शेयरिंग, ओके फाइन। चलिए किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर से आपके लिए 10 मिनट के लिए ओपन है, 10 मिनट में आपको जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर पूछ सकते हो। तब तक के लिए मैं कुछ बैनर्स यहाँ से चेंज करता हूँ, क्वेश्चन आ जाए तब तक मैं बता दूं कि कल हमारा समरेश अग्रवाल जी के साथ वीडियो एडिटिंग के ऊपर हमारा एक सेशन है, शाम को 4 बजे से लेकर 5:15 5:30 बजे तक का हमारा सेशन है, और उसको भी आप जो है YouTube पे इसी चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आइए क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। कुल मिला के मैंने कुछ 10-15 जो है सेटिंग आपको दिखाए, तो वो मैंने आपको शेयर किए, इसमें जो भी क्वेश्चन है आप आराम से इजिली पूछ सकते हो। ओके एम्बियंस लाइट और सॉफ्ट बॉक्स का सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है उसके ऊपर भी मैं कुछ शॉर्ट्स है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द। नेक्स्ट सर गेटिंग रेडी के फोटो, ओके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर गेटिंग रेडी में पीछे से स्प्रे करते हुए शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये ब्राइड है और ब्राइड को यहां से वो स्प्रे कर रहे हैं, तो आपका कैमरा यहां पर है, तो आपको क्या करना है लाइट यहां पर नीचे रखना है, तो जैसे वो स्प्रे करेगा तो आपकी लाइट जो है वो एक ही होगी, तो ऑटोमेटिक आपको जो है स्प्रे बहुत अच्छे से दिखेगा। बहुत सिंपल सा सेटिंग है, इसमें कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोके विथ फ्लैश कभी नहीं किया है सर, इसीलिए मैंने दिखाया सर, मैंने जो चीजें आपको दिखाई है ना वो इसीलिए दिखाई है कि बहुत सिंपल टेक्निक से ये सारी चीज, लेकिन उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर यूज करोगे तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग मजा होता है, तो वो मेरा दिखाने का इंटेंशन वही है कि देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें होती है, बट आप उसको अगर अच्छे तरीके से यूज करोगे तो कमाल हो सकता है। सर फोटो एडिटिंग के लिए कौन सा डिस्प्ले लेना चाहिए, और वो बाद में फोटो एडिटिंग वाले बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल एक्सपोजर में लाइट कैसे यूज करते हैं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डबल एक्सपोजर के ऊपर बना के रखी है, मैं बहुत जल्द मेरी जब यूट्यूब पे बात होती है तो मैं बहुत जल्दी दूसरे भी वीडियोस आपको मल्टीपल एक्सपोजर पे बना के देखने वाला हूँ। यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, किस किस लोगों ने देखी है मेरे को बताओ।
सिंपल फ्लैश यूज करके भी कोई ऐसा शॉट निकाल सकते हैं ना सर? हाँ ये सब सिंपल ही है, इसमें कुछ क्रिएटिव मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा एक फ्लैश है, ऊपर एक 80% मिनट का सॉफ्ट बॉक्स है, खत्म, नथिंग एल्स, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। चलिए सर, विंडो लाइट और कर्टेन लाइट में एक्सपोजर में कैसे सेट करें जिससे बैकग्राउंड डार्क हो जाए? देखो जो विंडो लाइट में खास करके मैंने शूट किया था वहां पर तो थोड़ा सा लाइट था, वहां पे आपने देखा होगा जो एम्बियंस लाइट था पीछे किचन में वगैरह, तो वो तो था, और दूसरा जो कर्टेन वाला था वहां पर नहीं था, वहां पर तो ऑलरेडी डार्क था, तो वो ऑटोमेटिक मुझे डार्क मतलब बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ऐसा बोल सकते ब्लैक मिला, काफी अच्छा मिला, और मुझे कई जगह काफी इतना बहुत ज्यादा ब्लैक मिला, तो मैंने क्या कर दिया एलईडी लाइट से, मेरे पास गोडॉक्स का LC500 लाइट है, उससे मैंने जो है कुछ उसके हेयर के ऊपर लाइट दे दिया ताकि जो है प्रॉपरली वो डार्क ना हो जाए, थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट फोकस पे कैसे करें? सर फोकस पॉइंट को आंखों पे लेके जाना है और क्लिक करना है, फोकस पॉइंट को आंखों पहले कंपोज करना है फिर फोकस करना है क्लिक करना है। कई सारे फोटो पर क्या करते हैं मोनो में फोकस कर दिया, अगर नहीं मिलता तो कहीं और फोकस करके फिर कैमरा वहां लाके फिर फोकस करके क्लिक करें, ऐसा मत करो, पहले कंपोज करो, फोकस पॉइंट को आंख पे लेके जाओ फिर फोकस करके क्लिक करो, मतलब कंपोज पहले करना है फोकस बाद में करना है। चलिए कोई और क्वेश्चन, सर फ्लैश लाइट और एलईडी पोर्ट लाइट में टाइम डिफरेंस क्या होता है? वो डिपेंड है एलईडी लाइट कौन सी कंपनी की क्या है, क्योंकि कई सारे लाइट्स है जैसे मैंने बताया कुछ में बोके थे मेरे वो तो ब्लिंक हो रहे थे, तो कभी कभी बंद भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म लुक शॉट्स कैसे करें, कोई प्रिज्म यूज करना है? फिलहाल तो मेरे पास ऐसा कोई सैंपल है नहीं प्रिज्म वाले, नहीं तो मैं आपको शेयर कर देता, बट लेट्स ट्राई, मैं कहीं से मैनेज करके फिर मैं आपको प्रिज्म वाले शॉट्स में शेयर करता हूँ। वेडिंग में 8600 प्रो या 400 कौन सा ठीक रहेगा? 8400 विनय तिवारी, 8400 ही लेना, 600 बहुत हैवी हो जाएगा, 8600 आपको बेस्ट बेनिफिट देगा प्री वेडिंग में, आउटडोर में, फैशन शूट में, जहां पर आपको डे लाइट को भी काटना है। चलिए वेडिंग ओके, ये क्वेश्चन आ गया। कैनन कैमरे के लिए बेस्ट स्पीड लाइट कोई भी, अगर आप फ्लैश की बात करोगे तो 8200 इज बेस्ट, अगर ऑफ कैमरा फ्लैश यूज करना है, और ऑन कैमरा करना है तो 860। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर 85 सॉफ्ट बॉक्स वन साइड और 135 सॉफ्ट बॉक्स का, 135 सॉफ्ट बॉक्स का बदले 85 सॉफ्ट बॉक्स का, कुछ समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन, 85 सॉफ्ट बॉक्स वन साइड और 135 सॉफ्ट बॉक्स टू 135, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, कल फोन करके पूछ लेना। सर मेरा कैमरा है वे डिफरेंट ऑटो फोकस सिस्टम देन डिजिटल, यस हार्दिक जी जो DSLR कैमरा से है उसकी जो फोकसिंग सिस्टम है वो टोटली अलग है, और जो मिररलेस है उसकी टोटली फोकसिंग सिस्टम अलग है, क्योंकि मिररलेस कैमरा जो है उसका पूरा कैमरा का जो सेंसर है वो एज ए फोकस पॉइंट एक्टिव हो जाता है, मतलब कि आपको 500-700 कई कैमरे में तो 1000-1000 फोकस पॉइंट है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आई ऑटो फोकस पकड़ता है, मतलब कि DSLR में जिसे आपको फोकस पॉइंट को शिफ्ट करना है मूव करना है वो करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जो है आई ऑटो फोकस पकड़ लेगा, और आजकल हर कंपनी में जो है वो रेडीमेड दिया, तो फोकस करना बहुत आसान है मिररलेस कैमरे में, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हो सके तो मिररलेस कैमरा लीजिए, बहुत शानदार है, अपग्रेड हो जाइए जितना भी सुधी हो सकता है। सर ऑन कैमरा फ्लैश V1 कैसा है? वो भी अच्छा है सर। ओके चलिए बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन क्या टाइम क्या हुआ, 55 मिनट्स, ओ ओ ओ ओ समय बहुत ही स्पीड से निकल रहा है, हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे। सर वेडिंग में क्लोजअप शॉट्स में बहुत भूल जाता हूँ, ओके भूल जाते तो उसके लिए मेरे पास मैंने कुछ शॉट्स की एक PDF बनाई है, किन किन लोगों को वो PDF फाइल चाहिए, जिनको भी PDF फाइल चाहिए ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि सर पोजेस की PDF फाइल दो, तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन कब ये हमारा लाइव खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट में लिखना है PDF फाइल और वीडियो कैसी लगी वो जरूर लिखना है, और जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके LC500 फोटो के लिए है, ले सकते देखो वो है तो बेसिकली वीडियो के लिए, सिनेमेटिक के लिए, क्योंकि उसका CRI वैल्यू बहुत अच्छा है, बट मैं उसको कई बार फोटोग्राफी में भी यूज करता हूँ। और कोई क्वेश्चन, सर आप सिंगल फोकस पॉइंट को फोकस करके कि बाकी के एरिया को ब्लर होता है? सर वो आपको एप स्टॉप जितना आपका ओपन होगा उतना बैकग्राउंड ब्लर होगा, ओपन इन द सेंस के 2.8 1.8 1.4 जितना ओपन करोगे उतना बैकग्राउंड ब्लर होगा, अगर जितना एपर्चर आपका छोटा होता जाएगा मतलब कि नंबर बड़ा मतलब कि 5.6 6.3 7.1 तो उतना डेप्थ ऑफ फील्ड आपका बढ़ता जाएगा, है ना। सर सिग्मा मार्क टू में जब भी कंपोज करते हैं तब कभी कभी आईज पे फोकस नहीं होता है, इसका मतलब फोकस करके? मेरा वीडियो है यूट्यूब पर 60 Mark II अंडरस्टैंडिंग ऑफ 60 Mark II, उसको देखिए, इसमें उसका पूरा जो डिटेल मैंने बताया है। सॉफ्ट बॉक्स पर ग्रिड कब यूज कर सकते हैं? जब आपको लाइट को फैलाना नहीं है तब आप जो है सॉफ्ट बॉक्स पर ग्रिड यूज कर सकते हो, जब आपको लाइट को फैलाना है
तब आपको सॉफ्ट बॉक्स से ग्रेड हटा देना है, मतलब कि 85 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स है, आप चाहते हो कि सिंगल सोलो शॉट है, कपल शॉट है, उसमें आप ग्रेड लगाओ बहुत अच्छा है, लेकिन तीन लोग हो गए, चार लोग हो गए और आप चाहते हो कि सिंगल सॉफ्ट बॉक्स में ही बहुत अच्छे शॉट बनाना, तो आपको ग्रेड हटा देना चाहिए। चलिए 8300 में कौन सा सॉफ्ट बॉक्स यूज करना चाहिए, 8300 में आपको तो 85 सेंटीमीटर का सॉफ्ट बॉक्स यूज करना चाहिए। कैनन आर में ईओएस लेंस यूज कर सकते हैं? हाँ सर, कन्वर्टर लगा के यूज कर सकते हैं। सर व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, चलिए देखो नीचे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, स्क्रोल होता हुआ मैं आपको दिखाऊं कहाँ है, ये जो नीचे स्क्रोल हो रहा है इसमें मेरा नंबर आएगा। जो भी लोग वेबिनार में ज्वाइन होना चाहते हैं वहां पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको कल का लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ पर आएगा, देखो ये मोर इन्फो है, यहाँ पर आपको ये कहा गया, हाँ ये मोबाइल नंबर आपको दिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके आगे बढ़ते हैं। सर योर ऑल फोटो लुक्स मोर सैचुरेटेड? हाँ ये मैंने देखा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में मेरे को परफेक्ट दिख रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पास में मोबाइल में मैं यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मोबाइल में बहुत ज्यादा सैचुरेशन दिख रहा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा दिख रहा है, जबकि उसका सच बोलो 10% भी सैचुरेटेड नहीं है। बट कुछ होगा पता नहीं, कि यूट्यूब कैसे वहां से कुछ सेटिंग चेंज हो गया होगा, इसके हिसाब से ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर G6 में सिंपेक्स RT23 यूज करते हैं, बहुत डार्क हो जाता है, व्यूफाइंडर में फोकस ही भी नहीं होता है। G6 में देखो एक सेटिंग आता है, जितने भी मिररलेस कैमरा है उसमें जब आप लाइट यूज करते हो तो उसका उसका सेटिंग अलग होता है, ताकि आपको दिखेगा प्योर, और जब शूट करोगे तब वो शूट करेगा जो आपका एपर्चर सेटर स्पीड आपने जो सेट किया है वो आप मेरा एक G6 का वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, उसको देखो, उसमें ये डिटेल मैंने बताई है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे, और क्वेश्चन का आंसर तो हम हर दिन देते ही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरी एक चीज है, कल हमारा जो शो है, कल हमारा प्रोग्राम जो है, जिसके मेंटर है समरेश अग्रवाल जी, वीडियो एडिटिंग के बारे में बताएंगे 4 से लेकर 5:30 बजे तक। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल भी बता दूं, अपना जो है ऑलरेडी जो शेड्यूल बना हुआ है वो काफी लंबा चौड़ा शेड्यूल बना है, और इसको मैं पहले फुल स्क्रीन कर देता हूं, रुको, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके स्क्रीन, यस नाइस, और मैं आपको मेरा शेड्यूल जो है आपको दिखा दूं तो आपको मजा आएगा। ओके तो आज है मेरा, कल है समरेश अग्रवाल का, 11 तारीख को, 12 तारीख को दो प्रोग्राम है, एक है गणेश सर के, गणेश सर का फोटोशॉप के ऊपर आप सेंटर में देख सकते हो, और दूसरा है प्रीतेश राव का, रात को 9 बजे कैनन के लेंसेज के ऊपर है प्रीतेश राव सर का। 13 तारीख को है अनिल भावसा सर का, जो है सिनेमाटोग्राफी के ऊपर हमारा सेशन है। उसके बाद 14 तारीख को है डॉक्टर हितेश पटेल का, वो है एस्ट्रो फोटोग्राफी और प्री वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर। उसके बाद 15 तारीख को मेरा बेटर फोटोग्राफी के साथ मेरा फेसबुक पे एक शो है। 16 तारीख को है उमेश गोगना जी, जो है बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, उनका है वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर, वेडिंग एंड कैंडिड फोटोग्राफी के ऊपर। 17 तारीख को है मेहुल मिस्त्री का ड्रोन के ऊपर, और उसके अलावा कंटिन्यूस दूसरे जो है सेशन हमारे चल रहे हैं, जिसमें से काफी सारे जो मेंटर्स हैं उनसे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें से मोहित जयपुरी सर है, शिव कोहली है जो पोस्टर डिजाइनिंग के लिए है, उसके बाद हुई है मेरी पराग सिंधे सर से हुई है, काफी सारे लोगों से बात हुई है। तो आपको सारा जो है धीरे धीरे शेड्यूल मैंने 17 तारीख का मतलब कि नेक्स्ट 7 डेज का जो शेड्यूल मैंने आपको शेयर कर दिया है, बाकी का शेड्यूल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का सेशन शुरू करते हैं। यस शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको नेक्स्ट जो है सारी चीजें शेयर करता हूं। ये अब नहीं चाहिए, तो बात हमारी लास्ट जो है अटकी थी वो है बोके फ्लैशलाइट के साथ कैसे यूज करना है, उसके ऊपर हमारी जो है बात अटकी थी। उससे आगे बढ़ते हैं, शील आउट शॉट। अभी आप देखो ये शॉट जो है वो मैंने मुंबई में शूट किया था, मुंबई में एक लोकेशन है सेट इन द सिटी करके, वहां पर मैंने शूट किया था, और एक पोर्टा लाइट से ये जो शॉट मैंने क्रिएट किया है, सिंगल पोर्टा लाइट से शूट किया है, मतलब कि एक सिंगल पोर्टा लाइट से भी आप जो है बहुत अच्छा शूट कर सकते हो। तो ये उसका एक एग्जांपल है, और उसके जो इमेजेस है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत सारे इमेजेस जो है मैंने वहीं पे शूट किए थे, वो मैं आपको पहले दिखा दूं, ताकि आपको ये 4 फोटो मैंने वहाँ उसी लोकेशन पे शूट किए थे। यहाँ पर देख सकते हो एक बहुत खूबसूरत कार है, और कार के आगे कपल खड़ा है, और उसके पीछे मैंने पोर्टा लाइट लगा दी, कुछ इसमें कोई ज्यादा कोई वो नहीं है, सिंपल सी पोर्टा लाइट में आपका जो है खूबसूरत शॉट बन गया। उसके बाद ये कपल शॉट, फिर से वही लोकेशन, ये लड़की को उठाते हुए और ये लड़की गोल घूमते हुए, और सिंगल लड़की लो एंगल पर। ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पोर्टा लाइट का स्टैंड भी दिखेगा आपको, दिख रहा है,
ये रहा तो पोर्टा लाइट का स्टैंड भी, सिंगल पोर्टा लाइट से भी आप इतने खूबसूरत शॉट बना सकते हो। और ये शॉट इतना खूबसूरत है उसका कारण जो है यहाँ पर इसके जो शेप क्रिएट हो रहा है वो बहुत खूबसूरत है, और इसके कारण ये जो फोटोग्राफ से बहुत सुंदर बनते हैं। ये जो शिलाउटी शॉट है उसको हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे ये मैंने एक मांडवी के सनसेट के दरमियान कैप्चर किया था, कपल भी खड़ा है और कपल का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में भी आ रहा है। ये फोटो ओरिजिनल है, इसमें एडिटिंग नहीं किया, नहीं तो इन दोनों को मैं कब से जो है डिलीट कर देता। और एक्चुअल समंदर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, मतलब के मुश्किल से होगा 300-400 मीटर, बट समंदर के पास थोड़ा सा खड्डा था तो वहाँ पर स्टेबल पानी था, तो आप ऊपर का स्काई और कपल दोनों का रिफ्लेक्शन जो है मैंने यहाँ पर प्रॉपरली कैप्चर किया है। ये देखिए शिल आउट, और ये जो टाइम है ये एग्जैक्टली बिफोर द सनसेट है, मतलब कि सनसेट इसके 10-15 मिनट के बाद हुआ था, सन यहाँ पर है, यहाँ पर सनसेट हुआ था, तो इसको थोड़ा सा वक्त था। और एक चीज़ और है, ये फोटो जो है अनएडिटेड है, और आपको लगेगा ये सर इतना गोल्डन कलर अनएडिटिंग में कैसे आया, तो दोस्तों ये जो फोटो मैंने क्लिक किया है वो 10,000 केल्विन पे किया है, मतलब कि वाइट बैलेंस जो है वो 10,000 केल्विन है, इसलिए इतना खूबसूरत मिल रहा है। नहीं तो अगर आपका 10,000 केल्विन नहीं होता तो आपको शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर ग्रे हो जाता है, आपने देखा होगा ये ग्रे हो जाता है। ओके, ये फोटो जो है ये आप देख रहे हो ये सुबह का फोटो है, सुबह का 10:30-11 बजे का शॉट है, और ये भी कच्छ के मांडवी में मैंने शूट किया था, और इसमें भी मैंने केल्विन जो है 10,000 कर दिया था। ये डे लाइट का फोटो है, ये रात का फोटो नहीं है, सनसेट का फोटो नहीं है, ये सुबह 10:30-11 बजे का फोटो है। लो एंगल पे बैठ के मैंने ये पूरा जो है शॉट यहाँ पे कैप्चर किया था, अगेन 10,000 केल्विन था, तो आप दिन में भी ये शूट कर सकते हो। अगर मैंने इसको एक्सपोजर और डार्क कर दिया होता तो आराम से ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये कुछ ना दिखता, पूरा डार्क हो जाता, तो वो भी आराम से कर सकते हो, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। चलिए ये एक टेक्निक और हो गई, लाइट से खेलना और उसके साथ पोर्ट्रेट को शूट करना। उसके बाद ये जो फोटोग्राफ से ये है इनसाइड दुपट्टा, मतलब के मैं सरल भाषा में बताऊं तो मैंने ये जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए वो एलईडी लाइट से शूट किया, मतलब कि मेरे पास जो LC500 लाइट है गोडॉक्स का उससे शॉट बनाया है, और दुपट्टे के अंदर ही ये सारे पिक्चर्स मैंने क्लिक किए हैं। तो वो पिक्चर्स कैसे वो देखते हैं, चलिए इनसाइड द दुपट्टा। ये थोड़े से रेट ज्यादा है तो शायद आपको आपके अपने क्या नाम है मोबाइल में ज्यादा रेट देखेंगे शायद, हो सकता है ये रॉ प्लस जेबी जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत शानदार, यहाँ पर फोरग्राउंड में दुपट्टा ही है, उसको आउट फोकस किया है, दुपट्टे को सर पे मेरे वो लिया है और फिर क्लिक किया है, और ये लड़की का फेस जो है उसको प्रॉपरली फोकस में लेके मैंने क्लिक किया है। दुपट्टे के बाहर से टॉप एंगल से शॉट बना है, फोटो दोनों एक ही है, देखिए ये नीचे से शॉट क्लिक किया, ये ऊपर से शॉट क्लिक किया, जहां ये लाया नीचे से ये ऊपर से ये साइड से, ये देखिए मतलब ये सारे फोटोग्राफ्स आप बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हो, है ना, वेरी नाइस। ओके, अब दुपट्टे के अंदर जाके अगर वाइड एंगल लेंस यूज करते तो क्या होता, तो ये देखिए दुपट्टे के अंदर जाके वाइड एंगल शॉट, ये मैंने मेरे ख्याल से 24mm का 2.8 का लेंस जो है टैमरॉन का उससे शॉट बनाया। ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइटल के लिए स्पेस छोड़ दी है, ये देखिए इनसाइड द दुपट्टा, मतलब कि इस तरह से भी आप जो है कुछ शॉट्स क्रिएट कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। यस, तो ये भी एक टेक्निक है जो मुझे पसंद है, और कई सारे ब्राइड में वेडिंग्स में जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं ऐसे शॉट्स हमेशा लेता हूँ, और इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं तो 2-3 शॉट्स तो मैं बना ही लेता हूँ। ये शॉट्स आपको कैसे लगे ये भी मुझे बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं उससे भी, तो स्क्रीन को शेयर करता हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। इनसाइड दुपट्टा, मल्टीपल लाइट्स और कलर जेल। ओके, मल्टीपल लाइट्स और कलर जेल के बारे में बात करना है, तो मैं आपको मल्टीपल लाइट्स को कैसे यूज करना है, कौन कौन सी लाइट मैंने यूज की वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के पहले मैं ये दो फोटो मैं आपको शेयर करता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक लड़की बैठी है, उसका जो क्या नाम है वो संगीत संध्या था, मतलब के डीजे नाइट था, उस दिन का शॉट है। ये सिंगल लाइट मैंने सामने से AD300 यूज किया है, और पीछे आप देखो कुछ भी नहीं है। अब दूसरा लाइट जो मैंने यूज किया है, यहाँ पर एक और फ्लैश यूज किया है, यहाँ पर मैंने 860 को येलो जिलेटिन लगा दिया। अब देखो फर्क देखो कितना बड़ा हो गया, मतलब के बैकग्राउंड को फील करने से भी फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो हो सके तो मल्टीपल लाइट्स का यूज कीजिए, सिंगल लाइट से शॉट मत क्लिक कीजिए,
कुछ शॉर्ट्स और मैं दिखाता हूं। यहां पर देखिए आप, यहां पर दो लाइट यूज हुआ है, एक सामने से और एक पीछे से। तो यहां पर आप हेयर लाइट देख सकते हो, बहुत खूबसूरत। यहां पर फेस के ऊपर भी बहुत अच्छी सी एक लाइट क्रिएट हो रही है, ये देखिए। तो यहां पर मैंने दो फ्लैश लाइट यूज किया, दोनों फ्लैश नॉर्मल फ्लैश है, नहीं एक 8600 है और दूसरा मेरा नॉर्मल फ्लैश है, 860 या 680 वाला है, काफी एक दो साल पुराना शॉट है। तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से इस तरह से शॉट क्रिएट कर सकते हो, ब्राइड और उसकी सहेलिया है ना, तो इस तरह से शॉट क्रिएट कर सकते हो। चलिए इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाते हैं। मल्टीपल लाइट्स विद कलर जेल, ये देखिए। अब मुझे बताइए इसमें कितनी लाइट यूज हुई है। मैंने पहले ये फोटो कई बार कई जगह पे दिखाया है, लेकिन मैं फिर से दिखाना चाहता हूं। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहां पर नीचे एक लाइट आपको दिखेगा, और इसको अगर मैं जूम कर सकता हूं और तो हाँ, कौन सा फ्लैश हो तो दिख नहीं रहा, लेकिन एक देखिए यहाँ पर येलो सॉरी ऑरेंज कलर का जिलेटिन मैंने यूज किया है, ऑरेंज कलर का जिलेटिन यहाँ पर यूज किया है। एक राइट साइड से लाइट आ रहा है और एक लेफ्ट साइड से, देखो लेफ्ट साइड से भी हेयर के ऊपर लाइट जा रही है दिख रहा है, और राइट साइड से भी लाइट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये रात का सीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तीन लाइट को यूज करके मैंने शॉट क्रिएट किया है, ये देखिए। ओके, यहाँ पर आपको लाइट दिखेगी, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड के हेयर के ऊपर, और एक मैंने जैसे दिखाया आपको ये फ्रेम इन टू फ्रेम। तो ये देखो कितना शानदार जो है, ये यहाँ पर मल्टीपल लाइट विथ जेल जो है शॉट मैंने क्रिएट किया है। अगर ऐसा कोई लोकेशन आपको मिल जाता है, खास करके वेडिंग में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार, लेकिन प्री वेडिंग में आपको ऐसे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन मिल जाते हैं जहां पर ये आप यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो प्री वेडिंग के अंदर भी, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग है तो वहां के लोकेशन का माहौल का यूज करके भी आप इतने अच्छे शॉट्स क्रिएट कर सकते हो। तो जेल को आप अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत अच्छे से शॉट क्रिएट होते हैं। दो शॉट मैं आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ता है जेल से और विदाउट जेल। ये देखिए यहाँ पर मैंने दो फोटोग्राफ दिखाए, वो आपको ये जो शॉट मैंने क्लिक किया है वो एलिंक्रोम का 100x100 का सॉफ्ट बॉक्स यूज किया, ये करीबन दो साल तीन साल पुराना शॉट है मेरा, और पीछे 8200 यूज हुई है। यहाँ पर ये जो पिंक कलर देख रहे हो ना, ये पूरा पिंक कलर, वहां पर मैंने 8200 लाइट को यूज किया था, और ये जो शॉट है मैंने क्लिक किया था 100x100 का सॉफ्ट बॉक्स एलिंक्रोम का, और उसके ऊपर भी मैंने डिफ्यूजर लगा के मैंने शूट किया था। यहाँ पर कलर जेल पिंक कलर का यूज हुआ है, और ये देखिए अगर मैंने जेल निकाल लिया पिंक कलर का तो कैसा दिख रहा है। तो दोनों शॉट मेरे पास है, मैं जो चाहूँ अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक शॉट है विथ पिंक जिलेटिन और विदाउट पिंक जिलेटिन, तो आपको जो शॉट पसंद आता है वो आप रख सकते हो, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको जो भी पसंद है वो कर सकते हो। तो आप जेल को और अपने मल्टीपल लाइट्स को जरा भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आने वाला जमाना उसी का है दोस्तों। चलिए और एक फोटो मैं आपसे शेयर करता हूं, और इसमें आप लोग मुझे बताइए, आपके पास 5 सेकंड है, कितने लाइट यूज हुए हैं, ध्यान से दोस्तों कितने लाइट यूज हुए हैं वो आपको मुझे बताना है, ध्यान से देखना। मैंने फ्रेम को इस तरह से किया है कि आपको लाइट थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाए और आपको पता चले, तो मुझे बताइए कि इसमें कितने लाइट यूज हुए हैं, लिखिए, चलिए कमेंट में लिखिए। ओके, तो यहां पर तीन लाइट यूज हुए हैं मेनली, एक मेन लाइट यहां पर जो है सॉफ्ट बॉक्स यूज हुआ है 100x100 का, दूसरा आप देखो यहां पर हेयर लाइट यूज हुआ है, और जैसे आपको मैंने बताया मेरा हेयर लाइट का तरीका सिर्फ वो फील होना चाहिए, बैकग्राउंड से डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए, और बाल को सफेद नहीं करना है, उतना ही मेरा हेयर लाइट होना चाहिए। और तीसरा जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लू कलर का, ब्लू जिलेटिन के साथ यूज हुआ है, और यहाँ पर क्यों ब्लू कलर का यूज हुआ है, क्योंकि इन्होंने कपड़े ब्लू पहने हैं, और वो वाले फोटो में क्यों पिंक यूज हुआ था, क्योंकि उस लड़की ने जो है पिंक कलर के कपड़े पहने थे, इसलिए यहाँ पर जो है पिंक कलर का जो है बैकग्राउंड में जो जिलेटिन यूज हुआ है। तो बहुत ये मायने रखता है कि कौन से कलर का जिलेटिन आप यूज करते हो, इस हिसाब से आपको जाना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं हमारी स्क्रीन को स्टॉप। नंबर वन, फिर से क्वेश्चन आंसर, आपके पास जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। आपके पास कुल मिलाकर 5 मिनट है, और मेरे ख्याल से 1 घंटा और 12 मिनट से हम लोग लगातार इसको देख रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग जो है बहुत ही जल्द
मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे। सर मैगमोड रिलेटेड कुछ आइडियाज दीजिए। सर आप जो भी चीजें देख रहे हो उसमें ज्यादातर मैगमोड की ही ग्रीड और उसके ही कलर जेल यूज हुए है, है ना। तो उसके और अदर एसेसरीज के ऊपर फिर कभी हम लोग दूसरा कोई सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैगमोड के प्रोडक्ट की बात करेंगे। डीप ऑक्टा और नॉर्मल ऑक्टा में इमेज में क्या फर्क पड़ता है? डीप ऑक्टा जो है लाइट को दूर तक थ्रो करता है, उसको अंदर ट्रैवल करने के लिए काफी स्पेस मिलता है, जो शैलो ऑक्टा होता है उसमें उतना स्पेस नहीं मिलता है, बट शार्पनेस उसकी अच्छी आती है। जो ज्वेलरी के शूट करते हैं उनके लिए डीप ऑक्टा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके दूर से शूट करना होता है। जैसे मेरे ही बात करूं, मैं जब ज्वेलरी शूट करता हूं तब मुझे, मैं 70-200 के लेंस से शूट करता हूं, मेरी मॉडल में से 6-7 फीट दूर बैठती है, और मैं अगर इतना पास सॉफ्टबॉक्स रखूंगा तो शायद उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट आंख में बहुत चमकती रहती है। और उसको जब ज्वेलरी की बात आती है तो समझो दिन में वो कई बार 30-40 या 50 जोड़ी ज्वेलरी चेंज करती है, तो इतनी लाइटों में आंखें थक जाती है। तो दूर से अगर मैं डीप ऑक्टा यूज करता हूँ तो लाइट थ्रो दूर तक दूर से करेगा लेकिन फैलेगा नहीं, तो डीप ऑक्टा वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटेक फ्लैशबोर्ड वर्क है क्या इसमें? हाँ सर, वो भी सेम वर्क करेगा। डिजिटेक का फ्लैशबोर्ड ले लो, वो भी सेम वर्क करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट, जरूरी नहीं कि आपके पास मैगमोड है तो भी तभी वो काम करेगा। हाउ मच टाइम डू यू नीड टू ब्राइडल पोर्ट्रेट्स? मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट, 10 मिनट, उससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है दादा उससे ज्यादा कोई देता भी नहीं है, है ना। तो 10-15 मिनट इज गुड इनफ, और हो भी जाता है 15 मिनट में तो आराम से हो जाता है। इवन 15 मिनट में तो सोलो शॉट, कपल शॉट, सब कुछ हो जाता है। फैमिली पूरा फैमिली शूट करना है तो आधा घंटा इज मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते सर। दूसरा क्वेश्चन, सर मेरे पास सिर्फ आईडी मार्क 4 और 70-200 है, लाइटिंग के लिए आप सबसे पहले क्या परचेस करूं? सबसे पहले आपको एडी 400 और उसका सॉफ्ट बॉक्स और एक एडिशनल फ्लैश। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोगों को अभी क्वेश्चन दिमाग में ये घुस गया कि सर क्या करें। कंपनी ने बहुत सारी फ्लैश बना दी, V1 बना दी, एडी 200, 400, 600, 300, 100 और भी दुनिया भर की फ्लैश, कौन सी ले, क्या करे क्या ना करे। तो मैं आपको सिंपल सा सेट बता दूं, आप एक फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आपने देखा बहुत सारे शॉट जो क्रिएटिव है, अगर आपको आपकी फोटोग्राफी को क्रिएटिव करना है तो मल्टीपल लाइट्स और जेल से खेलना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक एडी 200 लेना है और एक लाइट जो लेना है 860 फ्लैश, मतलब कि दो फ्लैश लेना है विथ डिजिटेक का बोल्ट और उसका जो है ग्रीड और कलर जेल के साथ, आपका काम बहुत शानदार हो जाएगा। ये मैंने जितने भी शूट दिखा ऑलमोस्ट वो सारा काम आप उसमें कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। सर बैकलाइट में अधिकतर शूट करने के से पीछे लाइट आता है? देखो डिपेंड है सर, जहां पर आपको बैकलाइट मिलता है वहां कोई दिक्कत नहीं, जहां नहीं मिलता है वहां पर जो है आप यूज कर सकते हो। देखो कुछ शॉट्स मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाए थे, यहाँ पर मैंने बैकलाइट यूज भी नहीं किया था, तो डजंट मैटर, वो डिपेंड होता है चॉइस के ऊपर किस तरह से यूज करना है। कपल शूट में भी यही लाइट कंडीशन रहेगी? हाँ सर, कपल और सिंगल उससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों का सिर्फ फेसिंग एक साइड होना चाहिए। ब्राइट पोर्ट्रेट के लिए लाइट कितने लाइट होने चाहिए? एटलीस्ट 3 होने चाहिए, लेकिन वेडिंग में कई बार इतना स्पेस नहीं मिलता तो 2 तो होने चाहिए, 2 तो होने चाहिए सर। सर ब्राइट पोर्ट्रेट के लिए कितने लाइट्स? ओके सर, एक ही क्वेश्चन बार बार मत लिखो सर। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग बोथ क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए आगे बढ़ते राजकुमार सर, ग्रे कार्ड के ऊपर। हाँ देखो, जब आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप शूट करने जाते हो और ऊपर लाल मंडप है, पीला मंडप है, या फिर बहुत ज्यादा ब्लू LED है, मजेंटा LED है, उस समय आपको ग्रे कार्ड से शॉट क्लिक करना है और रॉ प्लस JPG शूट करना है, आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये प्यार दिया, बहुत अच्छा दिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज क्वेश्चन आगे बढ़ते। ओके सर, मल्टीपल लाइट ब्राइट के साथ से सहेलिया का जो फोटो दिखाया वो हमने उसमें आर्क में नीचे फ्लैश के साथ 2 ऑरेंज जेल दिए है, उसमें क्या ग्रिड है? नहीं नहीं, ग्रिड नहीं यूज किया। देखो ग्रिड में यूज करता तो पूरे आर्क में फैलता ही नहीं है ना, तो ग्रिड वहां पे यूज नहीं है, वहां सीधा मारा था। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, फोटो आपको देख के ऐसा लग रहा है कि वो डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन एक्चुअल में वो लड़की जो खड़ी थी, 2 लड़की और उसकी सहेलिया, और उसके बीच में करीबन मेरे ख्याल से 5-6 फीट का डिस्टेंस था, बहुत पास नहीं था। और दूसरा, जो लड़कियों के पे जो लाइट था वो ज्यादा पावरफुल था, इसलिए अगर शायद वो फ्लैश उधर गया भी होगा तो आपको दिखेगा नहीं, उस तरह से मैंने उसको शैट किया था, है ना। सर मीटिंग मोड के बारे में, मीटरिंग मोड के बारे में, चलिए सर वो जब हम लोग कैंडिड के बारे में जब देखेंगे तब मैं आपको प्रॉपरली मीटर मोड भी दिखाऊंगा। जब भी मुझे गैप मिलेगा मैं समझ जाऊंगा, जैसे कोई और मेंटर हमारे साथ नहीं है उस समय मैं मीटरिंग मोड, कैंडिड फोटोग्राफी कैसे करना है और उसमें कौन से लेंसेज और क्या क्या कैमरा मोड रखना है, वो सारी चीज उस वक्त में बताऊंगा। आज हम लोग ज्यादातर बात करेंगे पोर्ट्रेट्स के बारे में और लाइट्स के बारे में। सर ग्रिड और फ्लैश जूम में क्या डिफरेंस है? ग्रिड और फ्लैश जूम में बहुत बड़ा फर्क है सर।
फ्लैश जूम में इतना वो नैरो नहीं जाता, जबकि ग्रिड में प्रॉपर नैरो जाता है, मतलब कि आप समझो इतना ही एरिया में वो लाइट जाएगा, वो ग्रिड काम करेगा। फ्लैश जूम क्या करेगा, वो थोड़ा सा चौड़ा थोड़ा इस तरह से कवर करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि ग्रिड में पड़ेगा। दोनों के कंपेयर की बात है, फर्क पड़ता है लेकिन ग्रिड के कंपेयर की बात है। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपने, थैंक यू सर। ब्यूटी टिप्स फोटोग्राफी के लाइटिंग टेक्निक, ब्यूटी डिस्क पर फोटोग्राफी लाइटिंग टेक्निक्स पर बताइए। ठीक है, मैं ब्यूटी डिस्क का शॉट मुझे कुछ ढूंढने पड़ेंगे, लेट्स सी मैं ट्राई करता हूँ, कल परसों मैं आपको ब्यूटी डिस्क का भी कुछ शॉट बताऊँ। आज तो फिलहाल मैं जो अभी चालू सेशन में ढूंढ नहीं पाऊंगा। गोडॉक्स 8400 सॉफ्ट बॉक्स, यस सर, ओके। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, ओके। वीडियो डाउनलोड अभी तो रिकॉर्ड हो रही है, कहाँ से डाउनलोड हो जाएगी सर? थैंक यू। ओके, आई थिंक सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और बाकी जो भी वीडियो, ये जो वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को ये सेशन सच में अच्छा लगा तो यहाँ कमेंट में लिखिए यस या नो। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो मेरी दो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो खत्म होने के बाद, मतलब कि स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और उस पर जो आपको मन मर्जी आती है वो कमेंट करना, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद, यहाँ पर नहीं। उससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि वो दूसरों को भी दिखता है और मेरे वीडियो एल्गोरिथम में भी वो शेयर होता है। चलिए आगे बढ़ते सर, तो मेरी बात हो रही थी कुछ फोटोग्राफी के बारे में। चलिए मैं आपको कुछ वेडिंग के फोटोग्राफ दिखाता हूँ, और पूरे वेडिंग के दरमियान कैसे कैसे उसको यूज किया गया, कौन सी सिचुएशन थी, एनवायरमेंटल कुछ पोर्ट्रेट्स है, कुछ वेडिंग के पोर्ट्रेट्स है, वो सारी चीज हम लोग देखते हैं। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लेना कोई, चलिए कोई क्वेश्चन एक दो ले लेते हैं। विंडो ब्रेड पोर्ट्रेट के लिए कैमरा सेटिंग क्या रखे? देखो सर, सच बोलूं तो वहां पर मेरे सेटिंग मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली मुझे याद है 1.8 या 1.8 तो नहीं था, 2.0 का एपस्टॉप मैंने रखा था, और 400 का ISO था, और 125 का शटर स्पीड था, और करीबन 5000 के आसपास जो था कैल्विन था, मोटा मोटा, नॉट श्योर एग्जैक्टली, यस श्योर, लेकिन वो आपको मुझे कमेंट में वीडियो, ये किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा, सॉरी ये कहाँ गया, हाँ, के ब्राइड के पोर्ट्रेट की PDF चाहिए, तो ये उसको, ये आपको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में लिखना, तब मिलेगी। हाँ, पोज की सर, वेडिंग के लिए विदाउट सॉफ्ट बॉक्स लाइट यूज करना है? देखो विदाउट सॉफ्ट बॉक्स आप करोगे तो लाइट की सॉफ्टनेस नहीं मिलेगी। सॉफ्ट बॉक्स का मतलब लाइट को सॉफ्ट करना, अगर आप सॉफ्ट बॉक्स यूज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा शार्पनेस मिलेगी, मतलब कि सीधी लाइट फ्लैश होगी तो बहुत ज्यादा शार्पनेस आएगी, तो वो शायद इतनी दुल्हन जो है इतने शार्पनेस वाले फोटोज मेरे ख्याल से पसंद नहीं करेगी, मेरा ये मानना है। अदरवाइज यूज तो कर सकते हो, पहले हम लोग करते थे सर, ये तो अभी सब 10 साल से निकला, उससे पहले तो कुछ भी नहीं, सीधा फ्लैश मार रहे थे दुल्हन के ऊपर। लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी कैसे होती है सर, इसके बाद में बात करेंगे सर। वेडिंग में सो विदाउट सॉफ्ट बॉक्स लाइट यूज करना, हाँ कर सकते सर, लेकिन बहुत शार्पनेस ज्यादा आएगी। ओके चलिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस जो है खत्म हो चुके हैं, और एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, फिर से मैं बता दूं, कल हम लोग बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में, मतलब कि सिनेमेटिक हाईलाइट कैसे बनानी है उसके बारे में। हमारे साथ कल जुड़ेंगे 4:00 PM समरेश अग्रवाल जी जो है नागपुर से, और हमारे साथ बहुत सारी बातें करेंगे और हमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स और ट्रिक्स हमें बताएंगे। चलिए अच्छा, और एक चीज है, यहाँ पर जो नीचे दिख रहा है वो आप ध्यान से पढ़ना, आपके लिए इंटरेस्टिंग है, इसको मैं हटा देता हूं और हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर, ओके। मेरे ख्याल से मेरा नहीं, इसको स्टॉप करते और छोटा फेस कर देता हूं मैं, ताकि आपको छोटा फेस कहां गया, हाँ ये यही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो कुछ फोटोग्राफ्स और देखते हैं और उसके बारे में भी बात करते हैं, ड्यूल लाइट में क्या है, ओके ये कुछ शॉट्स हमने देखे। आइए कुछ पोर्ट्रेट को फिर से देखते हैं, और जो मैंने आपको अच्छा यहाँ पर आपको दिखेगा जो सॉफ्ट बॉक्स मैंने बताया था ना कि 100 का सॉफ्ट बॉक्स मैंने यहाँ पर यूज किया, और उसके साथ मैंने 8200A की यूज किया था। बेटा पानी आपने बनाया, तो आप देखो यहाँ पर, ये आप देख सकते हो एलिंक्रोम का 100x100 का सॉफ्ट बॉक्स यूज किया है, और साथ में ही यहाँ पर बटर पेपर मैंने यूज किया है, क्योंकि मुझे सॉफ्टनेस कुछ ज्यादा चाहिए थी, और उसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो कि अगर आप 100x100 का 135 का सॉफ्ट बॉक्स अगर यूज करते हो तो मार्वेलस सॉफ्टनेस और रिजल्ट आपको मिलता है। ये देखिए, और ये कमाल है 100x100 के सॉफ्ट बॉक्स का। ये देखिए आप, उसके टेक्सचर देखिए, कपड़े के डिटेलिंग देखिए,
और दोस्तों ये आपके कैमरे में भी ये रिजल्ट मिल सकता है, ये रिजल्ट आपके कैमरे में भी मिल सकता है, सिर्फ लाइट का प्रॉपर यूज करना सीख लो। दूसरा जिसे मैंने बताया था यहाँ पर, ये रहा एडी 200 लाइट, और इस पर ये मैंने शूट किया है, और यहाँ पर मैंने लगाया है पिंक कलर का जिलेटिन। देखो यहाँ से पिंक कलर है, यहाँ पर प्योर लाइट है, और ये इस तरह से यूज हुआ है, और पूरी दीवार पे मैंने पिंक कलर से उसको रंग दिया है, और मेरी जो ब्राइड है वो प्योर कलर में, तो इस तरह से शॉट बनाया है। चलो भाई ओके। उसके बाद ये जो है यहां पर भी दो लाइट यूज हुआ है, एक सॉफ्ट बॉक्स यूज हुआ है और अगेन एक एडी 200 यूज हुआ है, लेकिन फिर से यहां पर देखो पीछे जो है प्योर कलर्स मैंने यूज किया, यहां पर मैंने पिंक कलर यूज नहीं किया है, यहां पर मैंने प्योर जो सॉफ्ट बॉक्स है उसी से मैंने जो है सारे शॉट्स बनाए हैं। ये देखिए ये सारे पिक्चर जो है आप भी अपने अपने कैमरे से इस तरह से क्लिक कर सकते हो। सिंपल सी दो लाइट, दो फ्लैश लाइट यूज हुए, एक सॉफ्ट बॉक्स और एक फ्लैश लाइट यहाँ पर मैंने यूज किया है, मल्टीपल लाइट, सरल रसम। चलिए मैं आपको कपल शॉट दिखाता हूँ। प्रॉपर सॉफ्ट बॉक्स आपके पास होगा, आप कमाल के फोटो क्लिक कर सकते हो। सी ये एक्चुअली आपके फोटो में ऐसा होना चाहिए, जान होना चाहिए। अब देखो यहाँ जो ये हम लोग इसको डमरो बोलते हैं, डमरो मोगरो आप जो भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये फ्लावर इतने खूबसूरत आपको दिखने चाहिए, है ना, कपड़े का टेक्सचर, उसकी पैटर्न्स, ये सारी चीज। ये देखिए ये मतलब साफे के अंदर जो टेक्सचर है वो भी इतना डिटेल में लिखना चाहिए। रीजन सॉफ्ट बॉक्स और आपका कैमरे का सेंसर, अगर ये मेरे ख्याल से कैनन का 7R मार्क 4 से मार्क 3 से शूट किया था, तो इस तरह से शूट आप कर सकते हो। चलिए एक शॉट और मैं दिखाता हूँ जिसमें काफी सारा रिफ्लेक्शन है, आप देखिए इसके अंदर मिरर के अंदर कितना रिफ्लेक्शन दिखा है, कोई बता सकता है कितना रिफ्लेक्शन, कितने इमेजेस का रिफ्लेक्शन है इसमें, ध्यान से गिनना, 1, 2, 3, 4, और एक्चुअल ब्राइड यहाँ पर है और मैं जो हूँ इसके पीछे, यहाँ से ही मैंने शूट किया है और यहाँ पर एक पोटा लाइट लगा, पोटा लाइट से मैंने शॉट बनाया। ये मेकअप के वक्त जब हम लोग जब जाते हैं शूट करने तो उस समय कई बार अच्छे सलोन हमें मिल जाते हैं, तो इस तरह से हम लोग अच्छे अच्छे शॉट क्रिएट कर सकते हैं, शॉट ऐसे भी मिल जाते हैं हमें बहुत खूबसूरत होते हैं। ओके ठीक, पूजा नाम है इस लड़की का, ये देखिए बहुत खूबसूरत, वहां पर एक जो है मिरर था उस पर ये शॉट बनाया है, ये सॉफ्ट बॉक्स के ऊपर, लेकिन इसमें फ्लैश फायर नहीं हुआ है, अवेलेबल में ही शॉट मैंने क्लिक किया है। इसके बाद मिरर में रिफ्लेक्शन, मिरर इन द मिरर, मिरर इन द, ओके मतलब कुल मिला के ऐसे कई सारे शॉट्स है जो क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक किए हैं। और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। कितना टाइम हुआ है दोस्तों मुझे देखने तो, क्योंकि मुझे फिर ये परमिट नहीं करेगा उससे ज्यादा समय। ओके 1.5 घंटा हो चुका है ऑलरेडी, अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के ऊपर ध्यान देंगे, और क्योंकि नहीं तो फिर हमारा यूट्यूब मुझे ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इतना सारा मैं यूज करने वाला हूं इसका आज। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस, आप जितना पूछना है जो पूछना है पूछ सकते हो, क्वेश्चंस क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी पूछना है। जब तक आप क्वेश्चन लिखते हो तब तक मैं आपको मैं फिर से शेयर कर दूं कि हमारा जो शेड्यूल है, जो नेक्स्ट पूरा वीक कौन कौन हमारे साथ आने वाला है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो नेक्स्ट शेड्यूल है इसमें हम आप कौन से सेशन में पार्ट कर सकते हो। आज है 10 तारीख, आप देख सकते हो मेरा है, कल 11 तारीख को है समरेश अग्रवाल जी का, जो है वीडियो एडिटिंग और हाईलाइट के ऊपर, मतलब कि सिनेमाटोग्राफी के ऊपर है, प्लस हो सकता है क्या, नहीं ऐसा नहीं। 12 तारीख को है के गणेश सर और प्रीतेश राव सर का, जो है गोडॉक्स, गोडॉक्स नहीं, क्या नाम है उसका,
कैनन के लेंसेज के ऊपर, 13 तारीख को है सिनेमाटोग्राफी के ऊपर अनिल भावसार सर का, 14 तारीख को है डॉक्टर हितेश पटेल का एस्ट्रो फोटोग्राफी, बहुत ही शानदार मिल्की वे की फोटोग्राफी कैसे करना है उसके ऊपर है। 15 तारीख को आपको फेसबुक पे मुझसे जुड़ना है और वो है बेटर फोटोग्राफी का वर्कशॉप। 16 तारीख को है उमेश गोगना सर जो जयपुर से है उनका है और उनका होगा वेडिंग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कैंडिड फोटोग्राफी उसके ऊपर। और उसके बाद 17 तारीख को है मेहुल मिस्त्री का ड्रोन के ऊपर, ड्रोन के ऊपर कमाल का बंदा, अमेजिंग बंदा है, इसके ऊपर इसका जो है सेशन होने वाला है। मतलब कि नेक्स्ट वीक जो है हमारा पूरा शेड्यूल पूरा पैक हो चुका है और उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट कुछ देखेंगे। तो उमेश गोगना सर जयपुर से जो है सोनी के भी मेंटर रह चुके, वो अपने कैंडिड फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट के ऊपर बात करने वाले हैं। डॉक्टर हितेश पटेल बहुत सीनियर फोटोग्राफर है और एस्ट्रो फोटोग्राफी जो है कमाल का सब्जेक्ट है, कमाल का एक्सपीरियंस है, उसको भी देखने जैसा है। अनिल भावसार जी जिनका सेशन होगा हमारा सिनेमाटोग्राफी के ऊपर, के गणेश सर का सेशन होगा फोटोशॉप के ऊपर, खास करके प्री वेडिंग मैनिपुलेशन के ऊपर, बहुत शानदार, परसों शाम को 4 बजे है। और रात को होगा हमारे मोस्ट सीनियर कैनन के मेंटर मतलब के प्रीतेश राव सर का, बहुत सारे मेंटर्स हमारे साथ आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें बात करने वाले, तो इन सब लोगों से हम लोग जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो सर ब्यूटी डिश और सॉफ्ट बॉक्स में क्या फर्क पड़ता है इमेज पर? सर ब्यूटी डिश जो है बहुत शार्पनेस देती है और सॉफ्ट बॉक्स जो है जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो वो बहुत शार्पनेस देती है। अब उससे फर्क क्या पड़ता है कि अगर आपको हेड शॉट लेना, जैसे अगर मेकअप की फोटोग्राफी कर रहे हो या किसी क्रीम की कर रहे हो या कोई ज्वेलरी शूट कर रहे हो तो ब्यूटी डिश इज बेटर, और अगर आप वेडिंग वगैरह पोर्ट्रेट शूट करते हो तो फिर जो है सॉफ्ट बॉक्स इज बेटर। तो डिपेंड है कि आप शूट क्या करते हो। सर नाइट वेडिंग में कब कई बार एम्बियंस लाइट कैप्चर करते वक्त शटर स्पीड 80 तक चली जाती है और तो कैमरा शेक होता है? देखो 80 तो ठीक है, 80 तक तो शेक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 100 तक रहोगे तो अच्छा, उससे नीचे मत जाओ। बट हो सके तो ऐसा ट्राई कीजिए कि जो एम्बियंस लाइट है पहले एक शॉट उसका लो, उसके बाद जो एक फ्लैश आप ऐड करो और फिर क्लिक कर दो। अगर मेरे पास कुछ शॉट्स है तो मैं आपको शेयर करता हूँ जो ऐसा ही कुछ है जो मैंने एम्बियंस विद फ्लैश लाइट मैंने कुछ शूट किया था। कहाँ गया वो फोटो, शायद कहीं मिसप्लेस हो गया। ओके आई डोंट नो कहाँ चला गया, नहीं तो मैं आपको वो शॉर्ट्स दिखा था, बहुत बढ़िया शॉर्ट्स है और उससे सीधा जो है मैंने उसको यूज इसी तरह से मैंने शूट किया था, उसका जो पिक्चर्स जो मैंने यूज किया था। पता नहीं कहीं चले गए, सॉरी कहीं चले गए, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट्स दिखा देता कि एमबीएस लाइट से कैसे उसको मैच करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। ओके इनसाइड दुपट्टा फोटोग्राफी में लाइट के एंगल के बारे में, टॉप एंगल से जैसे मेरी ब्राइड हो तो मेरे टॉप एंगल से मैंने वो LC500 लाइट यूज किया, आप चाहो तो पोर्टा लाइट भी यूज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वेडिंग में सिंगल फ्लैश के फोटो दिखाइए, सिंगल फ्लैश के मुझे ढूंढने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट टाइम मेरे पास सब्जेक्ट मिल गया, कैंडिड फोटोग्राफी, मीटर मोड और सिंगल फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। चलिए उसके आगे फ्लैश के पावर के बारे में कुछ बताइए। देखो सर डिपेंड होता है कि कितना मुझे, मैं क्या शूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कुछ शॉट्स बताए थे जिसमें मैंने ग्रिड यूज किया था, मैंने हेयरलाइट दिया था तो उसका पावर बहुत कम था, 1/32, मतलब सिर्फ मुझे यहाँ से एक लाइन दिखाना है आउटपुट के लिए कि ब्राइट और उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाए और ज्यादा कुछ नहीं, तो वो अलग तरीका होता है। जैसे दूसरी मैंने जो पिंक वाली ब्राइट दिखाई थी उसमें मैंने पावर मेरे ख्याल से काफी, जो मेरे फ्लैश जो स्टूडियो लाइट था उसके कंपेयर में काफी ज्यादा लाइट था। तो डिपेंड होता है शॉट के ऊपर के बैकग्राउंड कितना दूर है, कौन से कलर का है, क्या उसका यूज करना है, उसके हिसाब से हम जो है दूसरी लाइट का जो है पावर रखते हैं। सर व्हाट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन गोडॉक्स AD300, 300, 400? तीनों में सिंपल सा फर्क है, AD200 जो है 200 वाट का लाइट है, 300 300 वाट का लाइट है, 400 400 वाट का लाइट है, मतलब कि मेन उसका आउटपुट जो है पावर जो है उसका ही फर्क, और कोई फर्क नहीं। सर डबल एक्सपोजर के शॉट फोटोशॉट विद लाइट, सर वो थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कभी फिर कभी उस पर बात करूंगा मल्टीपल एक्सपोजर पे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक लाइन में खत्म करना नहीं चाहता, वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सर डांसिंग फोटो ज्यादा शेक हो जाते हैं तो उसके लिए क्या करें? शटर स्पीड ज्यादा रखना है आपको किसी भी सिचुएशन में, अगर आप जब डांस शूट करने जाते हो तो 180 या 200 से नीचे का शटर स्पीड नहीं रखना है, नहीं तो कोई ना कोई बंदा शेक हो जाएगा, कोई ना कोई एटलीस्ट हाथ शेक हो जाएंगे, कई बार प्रोसेशन में बारात में ये सब चीजें होती रहती है तो आपको ये ध्यान रखना है। सर अम्ब्रेला और सॉफ्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? अम्ब्रेला लाइट को बहुत ज्यादा फैला देता है जबकि सॉफ्ट बॉक्स जो है वो लाइट को सॉफ्ट करता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अम्ब्रेला ट्रांसपेरेंट भी होता है जबकि सॉफ्ट बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो सीधा होता है ना, तो सॉफ्ट बॉक्स इज बेटर फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। और अगर आपको एम्बियंस पूरे पूरे हॉल में पूरे घर में या इस तरह से लाइट को फैलाना है जो पोर्टा लाइट में हम लोग यूज करते हैं तो फिर अम्ब्रेला इज बेटर।
ओके, गोडॉक्स 90 सेंटीमीटर डीप ऑक्टा में ग्रिड का यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो सर, बट 90 सेंटीमीटर में ग्रिड कर सकते हो, मैं 85 में करता हूँ कई बार तक। पलक फोटोग्राफी पारस वाइट रूम में फ्लैश बाउंस करते बैटर सॉफ्ट ले सकते हैं सर? हाँ सर, अगर आपको आपका जो सीलिंग है अगर वो वाइट है और आपने अगर पूरा फ्लैश बाउंस कर दिया, पूरा लाइट बाउंस कर दिया, तो बहुत अमेजिंग, बहुत खूबसूरत आप जो है शूट कर सकते हो। मैं सर 3-4 दिन के बाद मैं किड्स फोटोग्राफी करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बाउंस लाइट करके कैसे शूट करना है। जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर जरूर आपको बताऊंगा, है ना सर। आज के दिन में बगैर पैसे लिए कोई भी अपना नॉलेज शेयर नहीं करता है, बट आपने शेयर करते हो, थैंक यू सर। वो तो सर आप लोगों का हक है। मैगमोड पर कोई ट्रिक्स? मैगमोड के ऊपर पूरा वर्कशॉप आएगा सर, है ना। कैमरा सेटिंग के ऊपर जाता हूँ। देखो कैमरा सेटिंग तो जो लोग कैमरा सेटिंग पूछते मुझे कई बार सरप्राइज होता है, लेकिन मैं उस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैमरा सेटिंग समझना होता है, वो मैं बता दूंगा, और आप जाके शूट करोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट नेक्स्ट लिंक। कल की लिंक कितने लोगों को चाहिए? रात को मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिनको भी कल की लिंक चाहिए वो मुझे रात को व्हाट्सएप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। गोडॉक्स 865 और 8200 डिफरेंस बहुत बड़ा फर्क है। 685 जो है वो मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट 86 वॉट का है और 8200 200 वॉट का, मतलब डबल से भी ज्यादा फर्क है, और 8400 400 वॉट का लाइट स्पीड है, तो उसका सीधी सी बात है आउटपुट का ही फर्क है, तो वही फर्क है। इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं क्यों नहीं है सर? नहीं, टाइम नहीं मिलता है, क्या करेंगे या कितनी जगह पे लाइव होंगे, और कोई काम ही नहीं क्या? मैं सर नहीं, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट काम ऐसा इसलिए करता हूँ मैं सर। फ्लैश बाउंसिंग वॉल कलर में डिपेंड रहता है लाइट। हाँ सर, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वाइट है तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मेरे पीछे का भी दीवार हल्का सा येलो है, ध्यान से देखो टिंट जो है येलो है, तो वो येलो कलर साथ में लेके आएगा, तो ऐसा हो सकता है आपको उसको फिर कस्टम वाइट बैलेंस या प्री बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्योर कलर्स मिलेगा। सब कुछ ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर वेरी सिंपल एंड ग्रेट, थैंक यू डियर। कितने लोगों को ऐसा लगता है? जिनको भी ऐसा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे यस और नो। अगर यस तो ही मैं आगे बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 शटर स्पीड में एंड फेस क्लियर हाउ? हो सकता है सर, कोई बड़ी बात नहीं है, 30 की शटर स्पीड तो बहुत ज्यादा है। मैं तो 4 की शटर स्पीड पे इमेज शार्प लेके आ चुका हूँ हजारों बार, एक दो बार नहीं कई बार ला चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। ओके आगे बढ़ते सर, हमसे फोटो मिल सकते हैं? आप इसमें से कोई भी 10 फोटो, चलिए ठीक है 10 फोटोज में आपको शेयर करता हूँ। ग्रेट सर, थैंक्स, आपसे बहुत हेल्पफुल वीडियो मिला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर क्या है? नीचे आ रहा है, देखो नीचे स्क्रॉल हो रहा है मेरा नंबर, वहीं पर आपको देखो नीचे लिखा हुआ है, जो नीचे स्क्रॉल है उसको ध्यान से पढ़िए, नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है और आपको क्या करना है। पूरी चीज को ध्यान से प्रॉपरली पढ़ना, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नाइस जॉब, थैंक यू सर। क्या V1 एंड R1 किट यूज कर सकते हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, R1 और V1 का किट का तो कॉम्बिनेशन अमेजिंग है, कंफर्म ले सकते हो सर, कोई डाउट नहीं है सर। सर लाइट पेंटिंग फोटोग्राफी के बारे में आपने नहीं बताया सर, उसके ऊपर हमारा पूरा एक सेशन होने वाला है, लाइट पेंटिंग, एस्ट्रो फोटोग्राफी, मिल्की वे, स्टार ट्रेल, बहुत सारी चीजें होने वाली सर, छोटा छोटा में मत खत्म करो, एक एक लाइन में मत खत्म करो, पूरा सेशन आपको मिलने वाला है सर। 2020 में जो सवाल पूछे थे उसका जवाब आपने जो YouTube के जो कैनन कैमरे के सेशन में मुझे मिल गया था, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, आपका हर सेशन हेल्पफुल होता है, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। क्वेश्चन पूछे ऐसा सर, थैंक यू वाली बातें मत कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, है ना। बाकी तो बातें हम लोग करते ही रहते हैं। वेडिंग शूट में 2470 सही है सर? हाँ, अगर आपको ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो 2470 इज गुड, डोंट वरी, बिंदास ले सकते हो सर। प्लीज शूट आउट दीजिए ना, सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूँ, प्लीज मुझे चैनल का शूट आउट दीजिए ना, सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूँ। मैं समझ नहीं पाया सर आपका क्वेश्चन, मुझे फिर से आप कल मैसेज करना। मल्टीपल फ्लैश का एक्सपोजर, उसके ऊपर पूरा सेशन है दोस्त, आप उसको देखना। फोटोशॉप में हाई एंड ब्राइडल रिटच की एक ऐसी वीडियो, मैं समझ नहीं पाया सर, फोटोशॉप में हाई एंड ब्राइडल रिटच की, हाँ उसके ऊपर है सर, जैसे हमारे मोहित जयपुरी सर के साथ हम लोग जो फोटोशॉप के ऊपर पूरा एक सेशन कर रहे हैं। उसके बाद शिव कोहली करके एक बहुत अच्छा शानदार आर्टिस्ट है बॉम्बे का, उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जो पोस्टर डिजाइनिंग और रीटचिंग और फोटोशॉप के ऊपर अमेजिंग उसका जो पकड़ है वो हम लोग देखने वाले। उसके अलावा फिर
के गणेश सर का है जो है प्री वेडिंग फोटोशूट के ऊपर वगैरह, तो राइट ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब पर परमानेंट रहेगा? हाँ सर, ये वीडियो और यूट्यूब के ऊपर परमानेंट रहेगा, डोंट वरी, है ना। फ्यूजी XT4 में सर, फ्यूजी XT4, फ्यूजी के मेंटर हमारे साथ जुड़ने वाले, पूरी डिटेल वो बताएंगे फ्यूजी के बारे में। सर ये वीडियो बाद में डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, आप देखो ना सर, डाउनलोड क्यों करना, यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, थैंक यू डर सर। नहीं अच्छे क्वेश्चन पूछो, अच्छी अच्छी बात। गोडॉक्स 150 सेंटीमीटर ऑक्टा का यूज हो सकता है? सर बहुत बड़ा हो जाएगा अनूप जी, बहुत बड़ा, 150 मतलब कि मेरे दो हाथ अगर मैं जमा दूं इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको इन हाउस ही काम करना है तो इट्स ग्रेट, बट आउटडोर करना है तो फिर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। ओके सर, निकॉन 5600 का वाइट बैलेंस क्यों नहीं सेट होता है? 5600 का सेट क्यों नहीं होता? अगर आप डे लाइट में हो तो सूरज का सिंबल यूज करो, अगर येलो लाइट में हो तो बल्ब का सिंबल यूज करो, और अगर मिक्स लाइट में हो तो फिर आप कैप्चर मतलब के प्री बैलेंस का यूज करो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। 5D Mark 4 5D बॉडी से शार्पनेस सेटिंग क्या रखें? मेरी YouTube की पूरी वीडियो है 5D Mark 3 और Mark 4 के ऊपर, उसको देखो, आपको पूरा जो है पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। वेडिंग शूट में आउटडोर में लाइट कंडीशन क्या रखें? वेडिंग शूट में आउटडोर में लाइट सिचुएशन सर डिपेंड है कि आपको बैकग्राउंड कितना ब्लर करना है, कितना शार्प करना है, उसके हिसाब से आपको लाइट का पावर और सॉफ्ट बॉक्स दोनों यूज करना है। अभी तो सर मैंने भी फोटो दिखाना शुरू भी नहीं किया, उतने सारे फोटोग्राफ्स है, उतने सारे कॉन्सेप्ट है। ऑल फोटो एल्बम के लिए मैंने भी iOS मॉनिटर से बात, ओके चलो ठीक है सर। सर वेड एक वेडिंग और मॉडलिंग फोटोग्राफर के पास क्या क्या किट होना चाहिए? मस्ट किट कैमरा, देखो आपके पास एटलीस्ट एक फुल फ्रेम कैमरा होना चाहिए, 1.4 का एक ब्लॉक लेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 85mm या 50mm, और 5 से 6 लाइट्स होनी चाहिए। गोडॉक्स 860 के साथ कौन सा सॉफ्ट बॉक्स लेना चाहिए? 85 सेंटीमीटर। सर फुल शिल आउट में शॉप बॉक्स कौन सा सही रहेगा? शील आउट के लिए आपको शॉप बॉक्स नहीं लेना, सीधा फ्लैश मारो। सर निकॉन 750 में फोटो शार्प नहीं आ रही? निकॉन 750 की मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, पूरी देखो, नोट बुक कैमरा और पेन साथ में लेके बैठना और एक एक सेटिंग को लिख के जाना, आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। सर फुल शूट हो गया, क्यों ये बार बार आ जाता है कि क्वेश्चन। चलिए सर α7 Mark 3 की किट 2470 कौन सा था? 2470 आता है सर। निकॉन G6 यूज करता हूँ, शार्प फोटो नहीं मिलती, मेरी वीडियो देखो ऑलरेडी है सर, ये सब वीडियो मैंने बना के रखी है, आप लोग ने शायद पूरी सारी वीडियोस देखी नहीं इसलिए। सर इफ यू वांट टू लाइव सेटिंग सॉफ्ट बॉक्स कैन बी कैप्चर द फोटोग्राफ्स, ठीक है। चलिए इसके साथ मैं एक चीज और चाहता हूँ कि कितने लोगों के पास मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, जिनके भी पास मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, तो अगर ये सेमिनार आपको वेबिनार अच्छा लगा है तो ये मैं थंब करता हूँ, इसके साथ आप मेरे को एक फोटो जो है क्लिक कीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट लीजिए और कल मुझे मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे टैग कीजिए। अगर आपको ये वेबिनार सच में अच्छा लगा है तो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे ये फोटो मुझे टैग करके दिखाइए, स्क्रीनशॉट लेना है, अभी स्क्रीनशॉट लेके मेरी वेबिनार, मेरी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उस पर मुझे टैग कीजिए, ये वेबिनार कैसा लगा मुझे वहां पर लिखिए। जिनकी कॉमेंट अच्छे होंगे उनको मैं अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के स्टेटस में उनके स्क्रीनशॉट को डालूंगा, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। AD200 Pro के लिए कौन सा सॉफ्ट बॉक्स अच्छा रहेगा? सर मैं ज्यादातर रेकमेंड करता हूँ, अगर आपका इन हाउस स्टूडियो है तो 135 और अगर आउटडोर है तो 90 सेंटीमीटर या 85 सेंटीमीटर, दो में से एक ले सकते हो सर, ठीक है। सर आपका दिल्ली में है? नहीं सर, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से, वैसे मैं यूट्यूब से हूँ। 70-200 के अलावा कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं? 85mm अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो 85mm, और अगर क्रॉप सेंसर है तो 50mm लेंस ले सकते हो। ओके चलिए सर, बहुत बढ़िया सेशन हुआ, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए सर कोई अच्छा क्वेश्चन, पोर्टा लाइट कौन सी बेस्ट होती है? सर सभी अच्छी होती है, डिजिटेक की आती है, फिर सिंपैक्स की आती है, सारी अच्छी थी। EOS R के बारे में वीडियो बनाइए। सर हम लोग EOS के मेंटर को बुला रहे हैं सर, पूरी EOS सिस्टम को समझाने के लिए। जैसे परसों हमारा प्रीतेश राव सर के साथ है, जो है मेनली लेंसेज के ऊपर कि लेंस कैसे काम करता है, और सारे कैनन के लेंसेज और निकॉन यूजर्स को खास मैं इसमें इनविटेशन दूंगा, निकॉन और सोनी वाले आप ये सेशन जरूर अटेंड करें ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनन निकॉन और सोनी के लेंसेज, है ना, अच्छा लगता है, इससे आपको नॉलेज गेन होगा। एक चीज याद रखना सर, मेरे पास पोर्टा लाइट है, नॉर्मल फ्लैश है, और कौन सा लाइट लेना चाहिए? एक लाइट एक फ्लैश और लेना है, और कुछ नहीं लेना। सर कैनन 6D Mark 2 में मेरा फोटोशॉप नहीं आता है? सर आप मेरा वीडियो ऑलरेडी 6D Mark 2 के ऊपर, दो वीडियो है, 3 घंटे का सेशन है, उसको देखो, उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में दिखाइए। सर आपके पास कौन सा कैमरा है? मेरे पास कैनन का 5D Mark 3 है, निकॉन का G6 है, और सोनी का 7M 3 है।
वेडिंग के लिए 60 सही, हाँ सर वेडिंग के लिए 60 सही है। निकोन 7500 रिव्यू, ओके ठीक है कहीं से मैनेज करता हूँ मैं। सर आपका रेस्ट कर लीजिए, नहीं सर डोंट वरी मुझे हैबिट है, मुझे 15-15 घंटे का बोलने का हैबिट है, तो कुछ भी नहीं, एक घंटे में क्या होता है। ग्रे कार्ड के ऊपर कुछ बनाइए बताइए, ठीक है मैं इसको पर एक वीडियो बना के प्रॉपर वे से आपको शेयर करता हूँ। निकोन जी माउंट का 2470 का प्राइस पता नहीं, प्राइस मुझे मत पूछिए, प्राइस मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे पास 70-200 का क्या 85, मुझे 1.5 लेना चाहिए। नहीं देखो अगर आपके पास 70-200 2.8 का लेंस है तो फिर 85 mm नहीं लेना है आपको, अगर आपके पास तो फिर आपको 50 mm का लेंस लेना है ना, तो 50 mm में आपका काम अच्छे से हो जाएगा। सर मेरे पास गोडोक्स का AD200 और गोडोक्स का V1 है, तो मुझे और एक लाइट की जरूरत है? नहीं सर, टू लाइट इज मोर देन इनफ रेगुलर वेडिंग के लिए है ना, अगर बड़े वेडिंग्स करते हो तो 3 लाइट चाहिए, तो फिर एक AD400 लेना है। सर आई हैव ए सोनी R3 कैमरा एंड आई एम कंफ्यूज इन द ग्रुप फोटो का स्पॉन्ड। देखो अंकुश अगर आपको ग्रुप फोटो में आउट जा रहा है तो आपको गड़बड़, ये कैमरा गड़बड़ नहीं कर रहा है, आपको लाइट बढ़ाना है और आपका जो एपर्चर है उसको कर देना है 11, मतलब कि 10 से 11 एपर्चर करना है, तरफ ग्रुप शॉट क्लिक करो, सारे बंदे परफेक्टली फोकस में आएंगे है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स अच्छा है? हाँ सर पैराबोलिक भी ले सकते हो, सॉफ्ट बॉक्स सारे अच्छे हैं। लाइट मीटर कैसे यूज कर, लाइट मीटर के ऊपर पूरा हमारा एक सेशन होने वाला है सर। चलिए सर एम्बियंस सॉफ्ट बॉक्स नहीं आती है, V1 यूज कर सकता हूँ, ओके R1 किट के बारे में बताइए। सॉरी सर सनी शानी, हम लोग जो है R1 और V1 उसके ऊपर पूरा एक्सेशन करने वाले, ठीक है आपको बहुत जल्द उसके ऊपर जो है पूरे वीडियो मिल जाएंगे। वाइट बैलेंस पर आपका वीडियो कब आ रहा है? वेरी सून सर, वक्त ही नहीं मिलता है, इतना सारा काम है सर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कई सारे लोगों ने भी मुझे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप भी कर दिया, वो मैं टैग भी कर दिया, अच्छी बात है। सर सोनी 7M3 पे डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा सर, वक्त नहीं मिलता और कुछ नहीं। वेडिंग फोटोग्राफी में कौन सा सॉफ्टबॉक्स लेना चाहिए? 85 सेंटीमीटर मिनिमम। R6 का ब्रेड चाहिए है, ब्रेड वो क्या होता है? सॉरी मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। सर जितनी सॉफ्ट लाइट उतना ही सॉफ्ट फेस आता है, सीधी सी बात है, जितना सॉफ्टबॉक्स आपका बड़ा होगा उतनी आपकी लाइट सॉफ्ट आएगी। दोस्तों 2.25 घंटे हो चुके हैं, अब मुझे बताइए और कितनी देर बात करनी है। के गणेश सर का डे आफ्टर टुमारो, कल समरेश जी का है, परसों के गणेश सर का है, वो है प्री वेडिंग के ऊपर, मैं आपको उसका जो है ये शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि के गणेश सर का जो है सेशन कब है क्या है। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, ये के गणेश सर का सेशन है और 12 तारीख को 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्री वेडिंग और एनहांसिंग एंड मैनिपुलेशन, मतलब कि प्री वेडिंग के बारे में ये बंदा, मतलब फोटोशॉप के बारे में ये किंग बंदा है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते सर और आपको बहुत मजा आएगा। और इनका खुद का नागपुर में एकेडमी भी है, तो आप उनके साथ ये जो वेबिनार है उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है ज्वाइन देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वेबिनार भी फ्री ऑफ चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो परसों 4 बजे और आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सोनी के मेंटर से सेशन कब है? बात हो चुकी है सर, सोनी के मेंटर के साथ हम लोग 3 सेशन कर रहे हैं, एक होगा फुल फ्रेम के बारे में, एक होगा 6600 जैसे मिड रेंज के कैमरे के बारे में और एक होगा लेंसेज के बारे में। 3 सेशन हमारे सोनी के मेंटर के साथ होने वाले। सर वेडिंग शूट में लाइट के हैंडल बंदे कितना रखे? जो एक तो चाहिए ही चाहिए, दो हो सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक होगा तो भी काम चल जाएगा। 5D में आप कौन सा सॉफ्ट बॉक्स सजेस्ट करते हो? सॉफ्ट बॉक्स 85 सेंटीमीटर सर, 5D से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैमरा कोई भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकोन D750 में जब मैं फोटो लेता हूँ तो स्क्रीन ओवर शार्प हो जाती है, तो क्या करूँ? अगर आपकी स्क्रीन जो ओवर शार्प होती है तो पिक्चर स्टाइल में जाके, स्टैंडर्ड में जाके, जो आप पिक्चर स्टाइल यूज करते हो जिसको पिक्चर प्रोफाइल बोला जाता है, उसमें जाके शार्पनेस कम कर देना है तो आपका काम आसान हो जाएगा। सर वेडिंग लाइट में आपको बंदे कितना हो गया? सोनी के मेंटर का सेशन कर रहे हैं सर। वेडिंग में फेरे के टाइम लाइट के बारे में बताइए। सर मैं ज्यादातर यूज करता हूँ फेरे के टाइम, ज्यादातर तो वहां पोर्टा लाइट यूज करता हूँ, बट कई बार मैं जब अगर स्टेज बड़ा है तो मैं पोर्टा लाइट यूज नहीं करता हूँ, मैं 3 या 4 मेरी जो लाइट्स है, मतलब कि जो 860 फ्लैश लाइट है उसको मैं विथ डिफ्यूजर, इसको बोला जाता है मैक्स पीएल, उसको लगा के फिर मैं पूरे एम्बियंस को कैप्चर करके शूट करता हूँ। G6 या G7 750 अपडेट करना है? सर अभी तक, अभी रुक जाओ गौतम अरोरा जी, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा कोरोना को जाने तो उसके बाद डिसीजन लेंगे, बट G7 इज बेटर, बेस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बजट है तो G7, नहीं तो G6।
सर निकोन के मेंटर से वेबिनार है। हाँ सर निकोन से भी बात आज ही हुआ है, बहुत जल्दी आपको निकोन, देखो मेरा निकोन से बात हो चुका है, सोनी से बात हो चुका है, फ्यूजी से बात हो चुका है, कैनन से बात हो चुका है, सिर्फ नहीं चारों से बात हो चुका है, सिर्फ कैनन के ऊपर डायरेक्ट बात हुआ है, कैनन कंपनी से बात नहीं हुआ, लेकिन चारों से बात हुआ है। गोडोक्स के भी मेंटर आ रहे हैं, सिकोनिक मीटर लाइट मीटर के भी मेंटर आ रहे हैं, मतलब कि आपको बहुत मजा आने वाला है, जबरदस्त शो मिलने वाला है आपको। सर वेडिंग में फेरे के टाइम फोटो अच्छी नहीं आती है, ओके तो लाइट चेक कीजिए, स्टॉप चेक कीजिए, उसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ टू शूट वेडिंग, सजेस्ट ए एडिट सिस्टम प्लीज। सर बिल्कुल नहीं पता, कंप्यूटर के बारे में जीरो नॉलेज। सर बैकस्टेज एलईडी लाइट के सामने फोटोज कैसे लेना है, कैसे एलईडी वॉल पर प्रॉपर देखे और सब्जेक्ट भी। देखो कई बार ही होता है जब आप रिसेप्शन शूट करने जाते हो या संगीत संध्या शूट करने जाते हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ और भी शूट कर, गड़बड़ ये होती है कि पीछे सब्जेक्ट के बैकग्राउंड में बहुत सारी एलईडी लाइट्स होती है, तो आपको क्या करना है कि आगे का लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल यूज करना, मतलब कि अगर आपके पास एलिंक्रोम का एक्स एलिंक्रोम का कौन सा लाइट आता है, FRX 400 यूज कर सकते हो, गोडोक्स का XK 400 यूज कर सकते हो, दो लाइट दो यूज करना है सामने से, और हो तीन हो सकता है तो फोटोग्राफर के ऊपर से एक ब्यूटी डिश में लाइट यूज करना, और बैकग्राउंड का लाइट जो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और आपका जो इमेज है वो परफेक्ट शार्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सर निकोन 910 फ्लैश के बारे में बताइए। ऑफकोर्स सबसे बेस्ट फ्लैश है, अब तक का सबसे बेस्ट फ्लैश 910 है, उसके ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, उसके अलावा आपको उसका फिर जो ट्रिगर वगैरह बहुत महंगा है, तो इसलिए फिर गोडोक्स इज बेटर। विच इज बेस्ट फॉर स्टूडियो लाइट, एलिंक्रोम और गोडोक्स? आई लव एलिंक्रोम, इसमें कोई डाउट नहीं, एलिंक्रोम क्लास कलर आता है। स्टेज में जयमाला के समय के लिए लाइट अम्ब्रेला कौन सा रहेगा? ऐसा क्वेश्चन मत कीजिए, 60 डबल 0 सिचुएशन कम कैसे कर, पिक्चर स्टाइल में जाके सिचुएशन कम कर दीजिए सर। मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, वो 1 घंटा और कितना हुआ है, 48 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं। सर मुझे, मैं बहुत जल्द और भी बहुत सारे विषय लेके आने वाला हूँ, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, और जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं उनको ये मेरे प्रोग्राम की लिंक शेयर करूँ, तो मुझे व्हाट्सएप करना है, नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आता है, उस पर आपको मुझे लिखना है सर आई एम इंटरेस्टेड इन वेबिनार, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा, आज काफी सारे लोगों का ग्रुप बन चुका है, कल फिर से दूसरे दो ग्रुप बन जाएंगे, उसमें मैं डाल दूंगा और सब्जेक्ट मेंटर उसका टाइमिंग सब कुछ, तो फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आज कौन सा मेंटर कौन सा वेबिनार है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि पर्सनली मैं मैसेज करूँ, तो उनको रिक्वेस्ट है कि उनके व्हाट्सएप के नंबर से मुझे, जो नीचे लिंक में आपको जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ये जो जा रहा है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन वेबिनार, आपको जो पर्सनल में मैसेज आ जाएगा। सर आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लक्की टू टॉप सब्सक्राइबर के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। चलिए, तो मैं अपॉर्चुनिटी के लिए एक चीज और कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी वेबिनार कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं अकेला हूँ, कल से हम लोग 2 लोग होंगे, तो इसमें मुझे परमिशन है 5 से 6 लोगों को एंटर करने की, तो एक चीज ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो कुछ छह लोगों को हम लोग एक हमारी कोर जो यूनिट है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो किसको, जैसे ये लाइव होता है तो आपको ये 10-15 सेकंड के बाद दिखता है और सिर्फ मैं और मेरा मेंटर बात कर पाऊंगा, लेकिन उसमें कुछ 5-6 लोग हम लोग जुड़ सकते हैं, तो 6 लोगों को मैं इनवाइट कर सकता हूँ, तो उसमें कौन आना चाहता है, जो आना चाहता है उसका हम लोग सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए आपको मुझे ये वीडियो खत्म होने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लोगों को शेयर करना है, जिसकी कमेंट अच्छी लगेगी कल उसको मैं मेरी कोर कमिटी में 5 से 6 लोगों के अंदर मैं आपको इनवाइट करूंगा, तो आप हमारे कमिटी में, मतलब कि जो हमारा ग्रुप बनेगा उसके अंदर आप आके बात कर सकते हो। सर योर वेबिनार वॉज वेरी गुड टूडे, आई गॉट लर्न लाइटिंग, थैंक यू सर नयन जी, थैंक यू वेरी मच। सर कैमरे के लिए बेल्ट कौन सा अच्छा है? मेरा खुद का, मैं जो बनाता हूँ वही बेल्ट अच्छा है, और कोई बेल्ट अच्छा नहीं है। एक मिनट चालू रखना अंकित, ए बोड़ा बोलो, बेल्ट लाए तो बेटा पे क्या थी। सर ड्यूरिंग द इंडोर पोर्टफोलियो हाउ टू रिमूव द ब्लैक पार्ट इन द फोटो एंड हाफ पार्ट ब्लैक पोर्शन कम्स? पोर्टफोलियो में तो मुझे पता नहीं सर आप क्या बात कर रहे हो। ये देखिए, किसी ने पूछा बेल्ट का क्वेश्चन, तो मेरा खुद का बेल्ट का मैन्युफैक्चरिंग है और मैं खुद बेल्ट बनाता हूँ, और ये 100% ब्रास का बनाता हूँ, और ये आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में मेरा खुद का ये मैन्युफैक्चरिंग है। कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, इसके बारे में हम लोग कभी फिर बात करेंगे। किस किस को लेना है ये बेल्ट? ये 2 कैमरा बेल्ट है, इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्द बना के मैं शेयर कर दूंगा। ये पूरा जो है ब्रास से बनता है और दूसरे की तरह नहीं, प्योर लेदर, सिंगल लेदर,
और ब्रास से बनता है और इसमें टू साइड और वन साइड दोनों है। किस किस को ये बेल्ट चाहिए कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट में जरूर लिखना। चलिए ये मेरा काम नहीं है अभी बेचना, इसलिए मैं ज्यादा दिखाता नहीं हूँ। सर प्री वेडिंग का वेबिनार कौन सा कौन पोस्ट करेंगे ना? हाँ सर पोस्ट तो करूंगा, लेकिन जिसको भी लिंक चाहिए उसको भी मिल जाएगा, है ना। मिरर में फोटो लेते समय फ्लैश का यूज करना चाहिए या पोर्टल? दोनों ही बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार फ्लैश यूज करता हूँ, कई बार पोर्टल यूज करता हूँ, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। बट पोर्टल इज बेटर, इजी हो जाता है, आपको तुरंत दिखता है, फ्लैश में आपको इमीजिएटली दिखता नहीं। वो उसमें काफी सारा एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस के बाद आप उसको आपको आसान में समझ में आ जाएगा। जिनको भी चाहिए बेल्ट मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, आपके लिए डिस्काउंट है, स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, 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 डिस्काउंट। सर विदाई के टाइम कार के अंदर लाइट या ओवर हो जाती है तो डार्क दुल्हन के पास फोटो ठीक से नहीं आती है? ओके, जब देखो गौतम जी, कभी कभी ये होता है कि जब आप विदाई करते हो तो कभी इधर जाना होता है, इधर उधर भागना होता है, तो इमीजिएटली आपको जो है प्रॉपर लाइट नहीं मिलती। उस समय हो सके तो अगर आप ऑन कैमरा फ्लैश यूज करो, उसको टीटीएल में रखो और उसको -3 एक्सपोजर कर दो, मतलब 0.3 एक्सपोजर, तो आपका फोटो कभी ओवर नहीं आएगा और परफेक्ट आपको मिलेगा। जिनको भी बेल्ट चाहिए मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए। चाहिए चाहिए, ओके ये क्वेश्चन हो गया। सर गोडॉक्स की स्टार्टिंग लाइट कौन सा लेना है? गोडॉक्स की लाइट अगर उदय मेरे जिगर जान दोस्त जलगांव से माय डार्लिंग, आपको सरल बता दूं, स्टार्टिंग वाटिंग कुछ नहीं। अगर आपको फ्लैश लाइट लेना है, AD200 और 860 दो लाइट कंपलसरी लेना है, एक लाइट में काम नहीं करना है, नहीं तो आप नहीं मजा आएगा। सिंगल लाइट से आप जितना भी देखते हो मजा नहीं आएगा, दो फ्लैश आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, आज नहीं तो कल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन दो लेना पड़ेगा। प्लीज डू ए सेशन ऑन एलिंग्रोम लाइटिंग। सर एलिंग्रोम के ऊपर मेरा एक सबसे पहला लाइट मेरा जो वीडियो आया था एलिंग्रोम के ऊपर ही आप देख लेना, उसके बाद भी लेट्स सी मैं कोई वीडियोस बना पाता हूं तो, क्योंकि अभी ज्यादातर वो है नहीं, बट ठीक है। ओके दोस्तों, तो सिंगल वाला बेल्ट कुछ लोगों को चाहिए, कुछ लोगों को डबल वाला चाहिए, कोई बात नहीं सर, कल हम लोग इसकी जो है बात करेंगे। तो फिलहाल मैं मानता हूँ सारे क्वेश्चंस जो है फोटोग्राफी के रिगार्डिंग, जो आज मैंने लाइटिंग के जो दिखाए उसके खत्म हो चुके। नेक्स्ट सेशन मेरा होगा कैंडिड फोटोग्राफी के ऊपर। कैंडिड फोटोग्राफी में आपका कैमरा मोड, मीटर मोड और कौन से लेंसेस यूज करना है कैंडिड फोटोग्राफी में, उसके अलावा यूज हम लोग बात करेंगे कैंडिड फोटोग्राफी यूजेज ऑफ लेंसेस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वहां पर कैमरा मोड्स और वो सारी चीजों को, है ना। चलिए कैनन का EOS R कैमरा कैसा है? अमेजिंग कैमरा है सर, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करना है तो RP लीजिए, और अगर सिनेमेटिक करना है तो R6 लीजिए, R मत लीजिए। सर इफ 180 की स्पीड के ऊपर करना हो तो कोई ऑप्शन है क्या? सर कैमरा कौन सा है आपके पास? निकॉन में आपको अंदर जाके ऑटो FP ऑन करना पड़ता है, कैनन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो हाई स्पीड सीन पे ऑटोमेटिक चला जाता है। सर आप क्या प्रिफर करते हो? ही है यूज न्यू वन, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। 60 Mark II में कौन सी फ्लैश? अच्छा 60 Mark II के लिए 860। सर आपका क्या प्रिफर करते हो? सर TTL यूज करने से क्या फ्लैश का उम्र कम हो जाता है? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये कैसा कुछ नहीं होता है, आप जितना चाहो यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक्स फॉर नाइस फैबुलस PDF। सेशन खत्म होने के बाद लिखना है। सर कैमरा AV मोड, हाँ वो सिनेमेटिक क्या, जब हम लोग कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में बात करेंगे तब ये सारी चीजें बात करेंगे, ठीक है। सर मेरे पास G6 है और उसमें शार्पनेस नहीं आता है। G6 का ऑलरेडी मेरा दो छोटा छोटा वीडियो, उसको आप देखो, उसमें मैंने काफी सारी डिटेल बताई है, उसमें ये चैप्टर आ चुका है कि उसमें शार्पनेस कैसे लेनी है। सोनी 7mm में 85mm लेंस कैंडिड के लिए ठीक है, बेस्ट है, लेना ही चाहिए। दो ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आप कार्ल ज़ाइस का 85mm का बाटिस का लेंस लेना, अमेजिंग लेंस है। और सिग्मा में जाना है तो 50mm का लेना, 85mm कार्ल ज़ाइस, उसका कोई तोड़ नहीं, सबसे बेस्ट वही है, वही लेना चाहिए। सोनी α7R के लिए स्टील के लिए क्या चाहिए? मतलब मैं समझ नहीं पाया सर, सेट सोनी α7R के लिए स्टील के लिए क्या चाहिए? मैं समझा नहीं सर, मुझे आपको फिर से क्वेश्चन लिखना होगा पूरा प्रॉपर वे से। सर जी सभी फोटोग्राफर की हेल्प करने के लिए दिल से सैल्यूट, थैंक यू डियर, थैंक्स यू, लव यू, बाय। प्राइस क्या है सर? प्राइस बाद में,
आपको हर दिन वीडियो लाइव देखना है, ये उसके बाद प्राइस डिसाइड होगी। जो मेरी सारे वीडियोस देखेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल। सर कैनन 5D मार्क 3 में एवी मोड के बारे में बताइए, अगर यूज करता हूँ तो मुझे अपर्चर में प्रॉब्लम आती है। जगत देव आर्जरिया, आप मेरी 5D मार्क 3 मार्क 4 की दो वीडियो दोनों को देख लीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे, है ना। सर G6 में ऑटोमेटिक ISO वधी जाए छे, G6 में ऑटोमेटिक ISO बढ़ जाता है तो आपका अंदर से ऑटो ISO ऑन है इसलिए ऐसा होता है, उसको ऑफ कर दो। सर D750 में फोकस करने पर वाइब्रेट कर रहा है लेंस, तो क्या करें, VR चेंज करना पड़ेगा? नहीं सर, तो आपके लेंस में मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन शायद कहीं टकरा गया होगा या डैमेज हो गया होगा, इसलिए शायद उसका जो VR है वो खराब हो गया होगा, इसलिए लेंस ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, उसको सर्विस करा लो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व हो जाएगा। 750 में ब्लॉक लेंस कौन सा ले, अगर आपको पोर्ट्रेट शूट करना है तो 85mm और फैमिली शूट करना है तो 35mm या 50mm। 70-200 के अलावा कौन सा लेंस लेना चाहिए? 50mm, 70-200 तो ऑलरेडी है तो उसके अंदर 85mm आ गया है तो 50mm लेना। सर आपके 750 के फोटोज दिखाओ। 750 मेरे पास तो है नहीं लेकिन देखता हूँ कहीं से कहीं मैनेज होता तो मैं 750 के कुछ फोटोज दिखाता हूँ। कैनन को सिग्मा का 50mm कैसा है? सिग्मा 8 सीरीज का बॉस डांसू रिजल्ट है, उसका तोड़ कोई नहीं कर सकता अभी के समय में, उसका कोई तोड़ नहीं है। 5D मार्क 4 ऑल सेटिंग वीडियो की लिंक प्लीज। जोशी साहब थोड़ी तो दया करो, इतना तो ढूंढ लो, मेरी चैनल पे है यार, ऐसा मत करो कि मैं भी लिंक भी मैं आपको दू क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। वेडिंग के लिए कौन सी कंपनी का कैमरा लेना चाहिए? हर कंपनी बढ़िया है, बेस्ट है, यूज करना सीख लो लाइट और लेंस का। सर आपका कैनन 80D के ऊपर ट्यूटोरियल बनाइए। श्योर सर, मेरे पास आने वाला है, 2-3 दिन में मैं उसके ऊपर बनाता हूँ। 9:30 से कंटिन्यू देख रहा हूँ सर, आप सुपर एक्सप्लेन करते हो लेकिन बहुत हेल्पफुल रहता है, थैंक यू सर मुझे, थैंक यू। G6 माटे कई फ्लैश वापर, G6 माटे 860 इज गुड फ्लैश, G6 II के ऑटोमेटिक, ये तो हो गया सर, आप मेरा वीडियो देखो उसमें पूरा डिटेल है। सर यू आर ग्रेट सर, नाइस इन्फॉर्म, थैंक यू सर, थैंक यू लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे सारे दोस्तों को फिर से, जो लोग नए हैं उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग आपको ऐसा लगता है कि वीडियो सही में बहुत अच्छी है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके खत्म होने के बाद इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, सोनी 7 III के लिए बेस्ट फ्लैश 8860, ये बजट है तो V1 ले लो। 7M III के लिए सिग्मा 8 सीरीज 1.4 कैसा रहेगा? बेस्ट, लेकिन कौन सा mm लेना है आपको, 85mm या 50mm? वो मेरे पोर्ट्रेट के लिए 85mm। कैमरा बेल्ट वापस दिखाओ सर। ये करीबन मैं 1 साल से यूज कर रहा हूं। बेल्ट प्रॉपर ब्रास, पूरा ब्रास, ना स्टील ना एल्यूमिनियम ना कुछ, ब्रास। चलिए सर, क्या हाई क्लास कैमरा ही क्वालिटी दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है पलक, आपके पास कोई भी कैमरा होगा अच्छी से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर आपका सेंसर साइज बड़ा है तो फाइल साइज बड़ी बनेगी, सेंसर साइज छोटा है तो फाइल साइज छोटी बनेगी। कैमरे के फीचर्स कभी कभी कम ज्यादा होते हैं लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल भी क्रॉप सेंसर कैमरा है तो भी आप वेडिंग बहुत अच्छे से शूट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं आपको बड़ा सेंसर वाला ही कैमरा लेना चाहिए। पहले जितने भी मेरे दोस्त उसको क्लियर बोल देता हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि फुल फ्रेम या बड़े सेंसर वाला कैमरा ही आपको लेना है। आपके पास अगर प्रॉपर नॉलेज है लाइटिंग का, लेंस का, तो आप कोई भी कैमरा लेके अच्छे से अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, आप मेरे बहुत बड़े फैन हो, थैंक यू सर, मैं भी आपका फैन हूँ, लव यू, आप हो इसीलिए मैं हूँ सर, एक नंबर हुआ सेशन, थैंक यू सर। सर मैकेनिक शटर और इलेक्ट्रॉनिक शटर में उसके बाद उसके बारे में बात में। सर मार्क 3 में खूब खूब फोटो क्लिक करता हूँ तो कैमरा और मैं मॉनिटर में कलर अलग क्यों दिखता है? सर दोनों को मैच करना पड़ेगा, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कैनन में। सर आज के से जमाने में 1.4 जरूरी है क्या? 1.8 ठीक है, 1.8 भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट देखो कुछ लोग होते हैं नशेड़ी जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए तो चाहिए, उसमें फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो बस ये वही है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तो 1.4 का अपना ब्यूटी है। सर आपको मैं बता दूं, पहले तो मैं 1.2 लेने वाला था, वो 1,40,000 2,20,000 का लेंस है, सबका अपना अपना टेस्ट है, वो भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मिरर लेस में 1 सेकंड डील लेट होता है, सही बात है, 100% सही बात है। आप जब नहीं, प्रीव्यू लेट होता है, कैप्चर तो हो जाता है लेकिन प्रीव्यू लेट होता है। दिल से थैंक्स, तो थैंक यू सर,
थैंक यू। मेरे ख्याल से कितना टाइम हुआ, 2 घंटा हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं और सबकी बीवियां भी डांटेगी, तो हम लोग अब इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। लेकिन आप लोग 5 मिनट में लिए रुकेंगे, 5 मिनट में वीडियो सेशन को एंड करता हूँ, सारे लोग इस वीडियो को जो है लाइक करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अलग होंगे। दूसरा कौन सा विषय जो है सिलेक्ट करना, उसके लिए आप मुझे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर मुझे मैसेज कीजिए, और जिसको भी लिंक चाहिए वो भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी चीजें उस पर शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, बाय 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 बाय।